नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, बट मैं एडवाइस दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री बोलो, क्योंकि आप किसी के सामने बोलोगे ना कि मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊँ आज, तो आपको ऊपर से नीचे तीन बार देखेगा क्या कह गया, क्योंकि हैबिट होती है सबको ट्रिग्नोमेट्री बोलने की, और आपको भी एक दो लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री बोलने की हैबिट पड़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बेहतरीन चैप्टर है, मतलब इससे अच्छा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, और पहली बार आप पढ़ो, आपके लिए, आप सबके लिए न्यू है, क्योंकि टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, इसलिए चैप्टर का नाम भी यही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ही नाम पढ़ा है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेहतरीन चैप्टर है, आप करते करते खो जाओगे और इतना मजा आएगा अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो बाकी सभी जो चैप्टर अब तक आपने पढ़े हैं आप उनको भूल जाओगे, क्योंकि वो बाद में पढ़ूंगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने दो मुझे, बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी भी कोई चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो भाई, पहली बार पढ़ रहे हो ना, इससे पहले तो कभी इंट्रोडक्शन भी नहीं सीखा आपने, पहली बार आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन ये अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आपने ये इंट्रोडक्शन जो 20 से 30 मिनट का आपको बताऊंगा, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि मकान जब बनाते ना बेटा तो बेस मजबूत होना चाहिए उसका, आप सबको पता है, तभी उस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो ताकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आपके सामने ला सकूं। एक बार इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे पहले आज, एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये है क्या चीज। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते बेटा, लिखिए रूल नंबर वन या कॉन्सेप्ट नंबर वन जो मैं आपको हर बार लिखवाता हूं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते बेटा, लिखिए बेटा रूल नंबर वन। सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए वो है इसका मीनिंग, कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी ये थोड़ी एग्जाम में आएगा, कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये थोड़ी एग्जाम में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, नहीं आएगा। लेकिन जब भविष्य में आप, क्या आपको क्या लगता है टेंथ तक ही पढ़ाई है कि आगे पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई बहुत आगे है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है ये। जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी बड़े एग्जाम में बैठोगे, तब आपसे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो भाई, टेंथ क्लास पास हुए थे? जी सर, राजन सर पे पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उस समय क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं आज की डेट में आपको पहले बताता हूं होता क्या है। हम बोलते किसे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है। यह ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेटा तीन वर्डों का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा, तीन शब्दों से बना। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करता हूं, वहां अक्सर मैं पूछ लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री आती है बेटा? जी सर पूरा आता है, कुछ भी पूछ लो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है तो वो नहीं पता जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मतलब क्या है इसका, तो जी वो नहीं पता। तो यही एजुकेशन का गलत तरीका है। अगर आप पेरेंट्स हो और आप मुझे देख पा रहे हो इस वीडियो में, तो मैं आपसे भी एडवाइस दूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों की हैबिट डालो, आप इस उनको आदत में डालो कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो बताओ ना, पढ़ क्या रहे हो आप। मार्क्स अलग अलग क्राइटेरिया है कि मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो लास्ट की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा तीन वर्ड हो, तीन ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन। इन तीन वर्डों का कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोन मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना किसी चीज को, मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्डों से मिलकर बना है, ट्राइगोन मेट्रोन, और इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीन भुजाओं को मापना, तीन भुजाओं को मापना। एक ट्रायंगल के जो तीन साइड्स होते हैं
उसको मेजर करना, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप सबसे सिंपल डेफिनेशन बता सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीन भुजाओं को मापना। आप हिंदी मीडियम बेटा, आप इंग्लिश में लिखना क्योंकि पूरा चैप्टर इंग्लिश में ही है, तो आप इंग्लिश में लिखना, आधा डालो चैप्टर में, सब कुछ इंग्लिश में ही है इसमें, तो आप अभी डालो इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। वैसे मैं लिख सकता हूं तीन भुजाओं को मापना, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर मुझसे या आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और आपको पास टाइम हो तो आप उसे क्लेरिफाई करो, सामने वाले को बिल्कुल क्लियर बताओ कि भैया इधर आओ, पहले मैं इधर आओ पास में, मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द थ्री ग्रीक वर्ड ट्राइगोन मेट्रोन, ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीन भुजाओं को मापना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, सामने वाला खुश, आप भी खुश, अगल बगल में कोई है तो वो भी खुश, ठीक है। लेकिन इसका जो थोड़ा टेक्निकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये ट्रायंगल के एंगल और साइड का रिलेशन बताता है। एक ट्रायंगल आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल हम सबने बनाया बचपन से, हम सबने ट्रायंगल बनाया ना, तो इसके एंगल होते हैं और साइड होते हैं, इनके बीच का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर टेक्निकल वर्ड में अगर बोले तो इसको बोलेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड, एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड, कोण और भुजाओं का संबंध। ये थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि दोनों पता होना चाहिए ना, एक सिंपल डेफिनेशन और मुझे लगता है इतना बता दोगे तो वो भी आप, आपको पता होगा, बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। मीनिंग मोस्टली मैं देखता हूं बच्चों को नहीं पता, जो कि गलत है, पता होना चाहिए, हम पढ़ के आ रहे हैं। और ये थोड़ा टेक्निकल मीनिंग हो गया, तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, भुजाओं और कोणों का संबंध। हिंदी मीडियम लिखना चाहो तो लिख लो, मैं हिंदी में बोल देता हूं, कोण और भुजाओं का संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है, कोण और भुजाओं का संबंध त्रिकोणमिति कहलाता है। वैसे इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेहतर है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल और साइड का बीच का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और ये पहले पॉइंट का कतई मतलब एग्जाम से नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कभी भी आप एग्जाम में थोड़ी पूछेगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ये तो नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन का मेन मकसद नॉलेज है, मार्क्स उसके बाद में आया। अब आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, तो आपको क्या लगता है कि वो नए नए डिस्कवरी या नई नई चीजें मार्क्स के लिए कर रहे थे क्या? नहीं ना, नॉलेज थी उनको, नई नई चीजें बता रहे थे दुनिया को। सो नॉलेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अभी मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले लगते हैं वो केवल राइट ट्रायंगल के लगते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले केवल राइट ट्रायंगल के लिए ही होते हैं। मान लो ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, राइट ट्रायंगल है आपके पास, इसके अगर राइट ट्रायंगल को हम साइड कर दे, अगर राइट ट्रायंगल को साइड कर दे तो बचे कितने, दो एंगल बचे ए और सी, दो एंगल बचे ए और सी, और तीन साइड बचे, तीन साइड है ना आपके पास। देखो एक का नाम है ए बी, एक का नाम है बी सी और एक का नाम है ए सी, तीन साइड बचे और दो एंगल बचे। तो एंगल ए का रिलेशन किस किस के साथ होगा, तो एंगल ए का, पहले एंगल को देखो, एंगल ए का रिलेशन पहले साइड के साथ होगा, एंगल ए का रिलेशन दूसरे साइड के साथ भी होगा, और एंगल ए का रिलेशन तीसरे साइड के साथ भी होगा। यानी एंगल ए का रिलेशन तीनों साइड के साथ होगा, पहले साइड के साथ भी होगा, दूसरे साइड के साथ भी होगा और तीसरे साइड के साथ भी होगा। एंगल ए का रिलेशन, बी को मत देखना, बी को छोड़ दो। एंगल सी का रिलेशन किस किस के साथ होगा, तो एंगल सी का रिलेशन तीन के साथ होगा, एंगल सी का रिलेशन ए बी के साथ भी होगा, एंगल सी का रिलेशन बी सी के साथ भी होगा और एंगल सी का रिलेशन ए सी के साथ भी होगा।
तो एंगल ए के तीन रिलेशन बनने, ध्यान से समझो, मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत कम टीचर बताते हैं या बहुत कम बच्चों को पता होता है ये सब चीजें जो आप सीखने वाले हो। मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे उससे साइड कर लेना बाद में, वो 10 मिनट बाद में आपके लिए मार्क्स के लिए भी जुगाड़ कर दूंगा, वो मैं बता ही दूंगा एनसीईआरटी का सोल्यूशन क्या होता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सब बता दूंगा। बट हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। नाउ एंगल ए का रिलेशन तीन साइड के साथ है ना, तीन साइड के साथ है, और एंगल सी का रिलेशन भी तीन साइड के साथ है। एंगल ए का रिलेशन तीन साइड के साथ है और एंगल सी का रिलेशन भी तीन साइड के साथ है, तो टोटल 6 रिलेशन हो गए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बताया था, एंगल और साइड का रिलेशन, एंगल और साइड का रिलेशन, एंगल ए का रिलेशन तीन साइड के साथ है, एंगल सी का रिलेशन भी तीन साइड के साथ है, तो टोटल रिलेशन हो गए 6। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी 6 ही होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है sin, इसे बोलते हैं sin या sin भी बोल सकते हो, sin भी बोलते हैं कई लोग, वैसे sin बोलते हैं अधिकतर टीचर, sin बोलते हैं, बट sin अभी अगर कोई टीचर बोले तो गलत नहीं है, sin भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, तो प्रोनंसिएशन में इतना फर्क पड़ता नहीं। नेक्स्ट होता है बेटा cos, थर्ड होता है बेटा tan, उसके बाद होता है बेटा cosec, देन आपके आता है sec और लास्ट आता है बेटा cot। sin cos tan, sin cos tan, या sin बोलना तो sin बोलना, sin cos tan, cosec sec cot, cosec sec cot। तो ये 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्यों होते हैं 6, रीजन क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों है, क्या कभी जानना चाहा आपने? क्योंकि एक एंगल के तीन साइड के साथ रिलेशन है, दूसरे एंगल का भी तीन साइड के साथ रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 6 हो गए, और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, दैट्स व्हाई देयर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों होते हैं पता लग गया, क्योंकि एक एंगल का रिलेशन तीन साइड के साथ, दूसरे एंगल का रिलेशन तीन साइड के साथ, टोटल 6 रिलेशन हो गए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, जो बहुत रेयर, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बहुत रेयर पता होता है। और मैं अगर गलत हूं तो आप अपने दोस्तों से पूछ के देखो, अपने भाइयों से पूछ के देखो, बहनों से पूछ के देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको यह पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए, 8.1 है, स्टार्ट कर दो पहला क्वेश्चन, फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है, हवाई जहाज निकलना होता है, रॉकेट निकलना होता है, फिर क्या था जी, समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कब आएगा, जब आप चीजों की ज्योग्राफी हिस्ट्री उसका पोस्टमार्टम पूरा डिटेल में समझोगे। तो ये 6 क्यों हुआ के पता लग गया, ये 6 कैसे हो गया पता लग गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, क्लियर हो गया। नाउ अब हम थर्ड रूल पे आते हैं जी। सर जी ये भी बहुत अच्छा लगा, सर सर बहुत मजा आ रहा है, सर जी मजा आ गया आपकी दो बातें सुनकर। सर जी मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, मैं तीसरे पॉइंट पर आग लगा दूंगा, याद रखना इस चैप्टर में आपका इतना मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, आग लग जाएगा, कहोगे क्या पढ़ा तो ये पढ़ा, बड़ा क्या पढ़ा तो ये पढ़ा। चलिए टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। हम जो लोग जो sin बोलते हैं ना, ये एक्चुअल में इसका नाम sin नहीं है, रियल में इसका नाम कुछ और है, एक्चुअल में इसका नाम जो है वो sin होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। हम लोग cos बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका नाम cosine होता है, हम लोग tan बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका नाम tangent होता है, रियल नाम इसका tangent है, हम लोग cosec बोलते हैं लेकिन एक्चुअल नाम होता है बेटा cosecant, एक्चुअल नाम cosecant होता है, हम लोग cosec बोलते हैं बट एक्चुअल नाम cosecant होता है, हम लोग sec बोलते हैं बट एक्चुअल नाम secant होता है, secant, हम लोग cot बोलते हैं बट एक्चुअल नाम cotangent होता है, cotangent, ये द रियल नेम। sin sin से बना है, sin को आजकल sin बोलते हैं, cosine को cos बोलते हैं, tangent को tan बोलते हैं, cosecant को cosec बोलते हैं, secant को sec बोलते हैं, and cotangent is called cot। अब ये क्यों ऐसा करा, ऐसा क्यों करा, एक बात बताओ, आपने पहले के नाम देखे, आपके 20 साल पहले के नाम देखे, पहले के नाम बड़े 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 से होते थे ना, लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी, नाम बड़े बड़े होते थे पहले, पहले के नाम बड़े होते थे, बीबीएस लक्ष्मण, क्रिकेटर बहुत अच्छा क्रिकेटर है,
आज के नाम बड़े शॉर्ट होते हैं, आप देखते हो ना, किसी का नाम बहुत बड़ा है, राजकुमार है तो राज बोलते हैं, हेलो राज कैसे हो, शॉर्ट कर दिया हमने। तो मैथ मशीन भी तो समय के साथ चलेंगे ना, मैथमेटिशियन भी कोई अलग से तो नहीं आए, वो भी शॉर्ट के साथ चलते हैं। आपके टीचर होते हैं तो गुप्ता सर है ना, नाम शॉर्ट में कर दिया, एसके सर मेरे सर थे बहुत अच्छे थे है ना। तो आजकल हम चीजों को शॉर्ट कर देते हैं, तो मैथमेटिशियन भी कुछ अलग प्लेनेट में थोड़ी रह रहे हैं, वो आपके साथ है, आपके बीच में तो रहते हैं, तो उन्होंने भी नाम को शॉर्ट में कर दिया। तो सिन साइन को आजकल सिन बोलते हैं, कोसेक को कोसाइन को आजकल कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को आजकल टेन बोलते हैं, कोसेकेंट इज कॉल कोसेक एंड सेकेंड इज कॉल सेक एंड कोटेंजेंट इज कॉल कॉट। तो हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग यही यूज करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, हम यूज यही करेंगे पूरे चैप्टर में। लेकिन फिर भी आपको क्यों बता रहा हूं ये बात, हमें पता होना चाहिए ना, एक्चुअल नाम ये नहीं है, रियल नाम आपका ये नहीं है। घर में आपके नाम होते हैं ना, गोलू मोलू स्वीटू, घर में नाम रख देते हैं आपके, लेकिन वो आपके रियल नाम थोड़ी है, रियल नाम तो कुछ और है आपका। तो इसी प्रकार से ये रियल नाम नहीं है, रियल नाम ये है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना ये नाम कहां सा है, इसका रियल नाम क्या है, इसके रियल नाम ये है। इनके शॉर्ट एब्रीवेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन बोलते हैं इसको, इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये जो येलो कलर का हाईलाइटेड है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो हम लोग यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है, सबको बदलना पड़ता है, जो नहीं बदलता समय के साथ वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। चलिए रूल नंबर फोर पे आते हैं बेटा, रूल नंबर फोर, यहां तक सर जी बिल्कुल एक एक बात मेरे समझ में आती जा रही है। मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन, अगर इसने इंट्रोडक्शन आपने समझ ली, आग लगा दोगे पूरे चैप्टर के अंदर, मजा बांध दोगे पूरे चैप्टर के अंदर, कहोगे जी मजा आया सर जी, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई कि होती क्या है एक्चुअल में, अब तक तो हम एक्सरसाइज करते थे। रूल नंबर फोर पे आते हैं, मैं बार बार ये चीजें लिख रहा हूं, आप देख रहे हो मैं क्या करके आ रहा हूं, मैं बार बार तीन को तो इधर लिखता हूं, साइन कॉस और टेन, इनको तो मैं एक तरफ लिखता हूं और बाकी इनको मैं एक तरफ लिखता हूं, कोसेक सेक और कॉट इनको एक तरफ लिखता हूं, आप देखते हो बार बार ये कर रहा हूं ना, शुरू से देखो, आप स्टार्टिंग से देखो मेरे रूल को, देखो मैंने यही करा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यहां भी ऐसी करा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो सर जी हम तो सोच रहे थे ऐसे लिख रहे होंगे, आप जगह कम है आपके पास, नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक चीज है जिसके कारण ऐसा कर रहा हूं मैं, जो मैं अब आपको रूल नंबर फोर में समझा रहा हूं। रूल नंबर फोर क्या कहता है कि शुरू के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और लास्ट के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। इट मींस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सर जी रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल का ये मतलब है बच्चे लाल मेरे सोना कि साइन की वैल्यू अगर 2/3 है, साइन की वैल्यू अगर 2/3 है तो कॉसेक की वैल्यू 3/2 होगी, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर जी गुरुजी मास्टर जी मेरी कॉस की वैल्यू 1/4 है तो सेक की वैल्यू आपकी 4/1 कहलाएगी। अगर आप कहते हो कि टेन की वैल्यू गुरुजी 3/5 है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो डेट इज 5/3। गॉट इट, क्या समझ में आ गया बेटा। ये सब लिखना नहीं है, ये सब नहीं लिखना आपको, केवल ये चलिए मैं सिर्फ एग्जांपल यूज कर रहा था आपको समझाने के लिए। आई वॉज जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू बेटर वे, अच्छे से समझाने के लिए जिसमें एग्जाम्पल ले रहा था, आपको सिर्फ ये बॉक्स की चीजें लिखनी है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल समझ में आ गया बेटा। तो ये रूल नंबर फोर था। नाउ रूल नंबर फाइव आते हैं, रूल नंबर फाइव क्या कहता है, रूल नंबर फाइव कहता है बच्चों कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ध्यान से समझिए इस चीज को, एक ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास वही ट्रायंगल है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ए बी और सी, एंड ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को राइट ट्रायंगल में ही यूज करते हैं हम लोग, तभी तो हमने बी नहीं लिया था ना, राइट ट्रायंगल नहीं लिया था, तो ए का रिलेशन तीन साइड के साथ, बी का रिलेशन तीन साइड के साथ,
सी का रिलेशन तीन साइड के साथ, टोटल सिक्स रिलेशन, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर बी को भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉ रिलेशन बन जाएगा, नॉ रिलेशन है ना, राइट एंगल वाले नहीं रहते बेटा। चलिए रूल नंबर फाइव हम सीखने वाले बच्चों कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है उसका बेस, इट इज कॉल्ड बेस। एक होता है बेस, एक होता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखना इनमें से, केवल आप P लिख दो, P4 परपेंडिकुलर। ये बेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द B, B4 बेस, B4 बेस। सर जी B4 तो बॉल था बचपन में, इतना पिटा हूं मैं, आप B4 बेस बता रहे हो, अजीब सर जी हो, B4 बॉल, मम्मी ने इतना पीटा बचपन में। समय के साथ बदल जा बेटा मेरे लाल, समय के साथ बदलना पड़ता है सबको। B4 बेस है अब, एंड P4 पपाया खत्म, पैरेट खत्म, बचपन में खत्म, P4 क्या, तो P4 परपेंडिकुलर है, एंड H4 हाइपोटेनियस। H4 हैन पढ़ते थे हम लोग शायद, है ना, बुक में अधिकतर H4 हैन ही मिलता था। सो P इज द परपेंडिकुलर, B इज द बेस, एंड H4 हाइपोटेनियस। क्या आपको तीन समझ में आ गया बेटा, आई रिपीट फिर से, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ये सर जी तो बार बार इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, इंग्लिश ज्यादा आती है, घनी आती है इनको, हिंदी ना बता रहे हो तो, सर जी मैं हिंदी मीडियम बताओ बेटा, ये चीज है ना अधिकतर इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी में होती है, मैं बता देता हूं आपको, इसको आधार बोलते हैं, आधार, इसको लंब बोलते हैं, लंब, और ये होती है कर्ण। बट जैसे आप चैप्टर में थोड़ा एक दो लेक्चर ले लोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इंग्लिश में ही है, फॉर्मूले भी इंग्लिश में ही, सारे वर्ड भी इंग्लिश में ही है, देखो ना सारे वर्ड इंग्लिश में ही है, देखो ना साइन कॉस्ट है, सब सब इंग्लिश में तो है, इसलिए आप हैबिचुअल होने वाले हो, तो शुरू के हो सकता है कि पहले दिन आपको दिक्कत हो इन वर्डों में, नया है आपके लिए, बट हैबिचुअल हो जाओगे आप। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये तीन चीज होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में। आई रिपीट, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर तीन चीज पाई जाती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अब ध्यान से सुनो, मेन रूल नंबर फाइव है बच्चों, साइन का अगर रिलेशन निकाला जाए, साइन का अगर रिलेशन निकाला जाता है तो साइन का रिलेशन आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये रिलेशन होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होगा वो साइन का रिलेशन होगा। कॉस, कॉस का रिलेशन क्या होगा, तो कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, कॉस का रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनियस का, और टेन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। आई रिपीट, मैं फिर से आपको समझा देता हूं, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, कॉस का रिलेशन होता है बेस और हाइपोटेनियस का, और टेन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। सर जी आपने तीन ही बताए, तीन और हैं वो तो बता दो, सर जी आपने तीन ही बताए, तो बेटा तीन हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा कर सकते हो। साइन का उल्टा क्या बताया था, साइन का उल्टा बताया था कोसेक, तो आप इसको रेसिप्रोकल खुद कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन में पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या बताया था, तो कॉस का उल्टा सेक बताया था, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर आ जाएगा एच अपॉन में बी, ये फॉर्मूला होता है। और टेन, टेन का उल्टा क्या बताया था, कॉट बताया था, तो कॉट का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज द बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम अगर तीन फॉर्मूले याद कर लेंगे तो तीन फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये फॉर्मूले होते हैं, तीन याद कर लो तो तीन अपने आप याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, कोसेक होता है उल्टा, रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे। सर जी ये कंफ्यूजिंग है सर जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तीन फॉर्मूले पहले ही समझ लो, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तीन फॉर्मूले याद करने हैं हमें, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी सर याद हो गया, एक में परपेंडिकुलर रात में बैठ के, रात में दो दो बजे बैठ के, साइन का फॉर्मूला ओहो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पेपर वाले दिन सब गायब खत्म, किसी के बेस के अपॉन में हाइपोटेनियस आ रहा है, किसी के परपेंडिकुलर अपॉन में पता नहीं क्या आ रहा है, सब भूल गए। तो एक शॉर्ट तरीका है,
इन तीनों फॉर्मुलों को याद करने का शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है? इसे हम गोल्डन तरीका बोलते हैं। इसको याद करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को समझ लो तो तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, समझ लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद हो सकता है। पहला फॉर्मूला साइन के लिए है, ये पहला फॉर्मूला साइन के लिए है, दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए, और तीसरा फॉर्मूला टेन के लिए है। साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए, क्योंकि लाइन से याद करना होता साइन कॉस टेन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच, और टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी। सर जी ये थोड़े वर्ड थोड़े बड़े हैं। एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर जी ये भी बड़ा है, तो आजकल एक लेटेस्ट तरीका है जो मेरा अपना है, किसी को बताना मत, और मम्मी अगर पास में बैठी है, पापा पास में बैठी है, तो बिल्कुल वीडियो मत दिखाना, मैं कुछ नया बता रहा हूं लेकिन अकेले में सुनना। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, लेकिन बेटा ये मम्मी पापा के सामने मत बुलाना, कभी मेरी और पिटाई करवा दो। क्या सुना आपने? ये आजकल लेटेस्ट है। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्लियर हो गया? मम्मी पापा के सामने मत दिखाना भाई वीडियो, भाई कभी मेरी धुलाई करवा दो डंडे से, कि मास्टर तूने केस सिखा दिया हमारे लड़के को, पता नहीं केस सीख रहा था यो, ये वीडियो में देख रहा था। ये सिर्फ याद करने का मेथड है, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्लियर? अब ये सबसे आसान होता है, इसलिए लेटेस्ट। मैंने अभी कहा था समय के साथ चेंज होना पड़ता है, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। सो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, और टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी। और हम कहीं भी ये चीज कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोई किसी के सामने एस इजिली। यहां पर याद रखो क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हो सो इजी। पहला फॉर्मूला साइन का, फिर ये कॉस का, और फिर ये टेन का। तीन ही फॉर्मूला तो याद करना है, क्योंकि बाकी का तो रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट बन जाएगा। सो ये लर्निंग का एक नया लेटेस्ट मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। दिस इज द फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस, एंड दिस इज फॉर टेन। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये रूल नंबर आपका कौन सा था? ये रूल नंबर 5 था, जिसमें हमने रूल पढ़े कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका शॉर्ट तरीका क्या है याद करने का। नाउ रूल नंबर 6 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर सिक्स क्या कहता है, समझिए इस बात को। रूल नंबर 6 कहता है थीटा। एक नया वर्ड आप सीखोगे, थीटा। थीटा क्या होता है सर? थीटा शायद ऐसे लिखते होंगे। थीटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये है थीटा को प्रेजेंट करने का तरीका। थीटा इसे बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल। फिजिक्स के अंदर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग लिखते थे ना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखते थे ना बचपन में। अभी 9th में भी आप पढ़ के आए होंगे, डिग्री का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, कंस्ट्रक्शन भी करी होगी आपने। तो उस एंगल को लिखने का एक मेथड होता है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और उसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब एंगल होता है। तो एक्चुअल में पता है कैसे बोलते हैं हम इसे, पढ़ते कैसे? देखो इसे बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट थीटा। समझ में आ गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट थीटा। तो इनके साथ हम थीटा वर्ड लगाते हैं। अब ये थीटा क्या कमाल करने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। थीटा क्या सिखाता है? ये थीटा हमें सिखाता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हम आंख बंद करके, ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, हम आंख बंद करके परपेंडिकुलर और बेस नहीं डिसाइड कर सकते, हाइपोटेनस फिक्स होता है। 90 के जो सामने होगा, आई रिपीट फिर से देखो, मैं तीनों अलग अलग कलर में दिखाऊंगा, 90 के जो सामने होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, 90 के जो सामने होगा, 90 के सामने वो हाइपोटेनियस फिक्स होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स होता है। लेकिन परपेंडिकुलर बेस ये फिक्स नहीं होता, कभी आप इसे परपेंडिकुलर फिक्स इसे बेस नहीं कह सकते, बदलता रहता है। ये लोग कैसे बदलते हैं?
मान लो अगर मैं कहता हूं ये थीटा है, ध्यान से सुनो, अगर ये थीटा है, ए थीटा है, ए क्या है थीटा, ये थीटा है, तो बच्चों इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो बेस होगा। तो तीनों की अपनी पहचान है, क्या पहचान है, देखो इधर इधर देखो, 90 के जो बिल्कुल सामने होगा वो हाइपोटेनियस होगा, थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बेचारा बच गया उसके सामने वाला बेस होगा, यानी जो बच गया वो बेस होगा, कहने का मतलब यही है। इसके लिए मैं इसे खाली छोड़ देता हूं, छोड़ो इसे, सिंपल याद रखो, जो बच गया वो बेस होगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, 90 के सामने हाइपोटेनियस ही होता है हमेशा। भाई कहां जा रहे हो भैया, रुको ना एक मिनट, अभी पढ़ाना है भाई, बताओ भाई, बैच चल रहा है, मजा आ गया, यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जहां थीटा, आप जरूरी से थीटा बदलता रहेगा, अब थीटा अगर मान लो ये हो गया, ये मान लो थीटा ये वाला हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो जो तीसरा वाला साइड बचता है उसको हम बेस कहते हैं। मान लो इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लो जी चेंज कर दिया, इसका नाम आया पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसको बोल दिया ये 90 है, और मेरा जो थीटा है वो इस बार ये वाला थीटा है, ध्यान से सुनना। तो अब मैं कहूंगा बेटा ढूंढ के दिखाओ हाइपोटेनियस कहां है, तो 90 के सामने ये होगा आपका हाइपोटेनियस, 90 के सामने ये है थीटा, थीटा के जो सामने, थीटा के बिल्कुल सामने, दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस, क्या आप समझ में आएगा बेटा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो इस बात का ध्यान रखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल सबसे ज्यादा रुलाता है बच्चों को, मैंने देखा है आंसू आते रहते हैं, आंसू बह रहे हैं, लड़की पागल है, लड़का पागल हो रहा है कि सर जी जो समझ में ना आता है क्या, कभी हाइपोटेनियस आप वहां कहते हो, कभी परपेंडिकुलर कुछ और हो जाता है आपका, और कभी अभी तो आपने कहा था नीचे वाला बेस है, और अभी कह रहे हो ये वाला बेस है। तो जे और जे के चक्कर में नहीं पड़ना, चक्कर ये है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो बेस होगा, बस ये चक्कर है। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 के सामने होगा, तो ये रूल नंबर जो होगा वो रूल नंबर 6 होगा, बस ये रूल नंबर 6 याद रखना आपको, ये वाला रूल याद रखना है। अब अंतिम रूल पे आता हूं, रूल नंबर 7, जो हमारा लास्ट रूल होगा, रूल नंबर 7 अंतिम रूल है, बस ये लास्ट रूल है, इंट्रोडक्शन खत्म और पहला एक्सरसाइज भी खत्म। जी हाँ, क्योंकि सर जी क्या बात कर रहे हो, पहला एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं करा, अभी जब मैं शुरू करूंगा तब आप देखना, कहोगे जी आता है। लास्ट रूल है कि किसी भी ट्रायंगल में हमें यह तो पता है कि तीन चीज होती है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, यह तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, चाहे कोई भी हो। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और अगर आपको बेस निकालना है तो बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को ये तीनों फॉर्मूले आते होंगे, मोस्टली स्टूडेंट को ये तीनों फॉर्मूले, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट को यहां बैठे हुए सबको आता होगा, क्योंकि ये हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टू फाइंड द हाइपोटेनियस वी यूज द फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी मींस परपेंडिकुलर, बी मींस बेस। टू फाइंड द परपेंडिकुलर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड टू फाइंड द बेस वी यूज द फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो अगर किसी क्वेश्चन में आपको नीड है कि भाई उस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस नहीं है, मैं टेक एग्जांपल कि उस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां परपेंडिकुलर गैप है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और जिस क्वेश्चन में बेस गैप होगा उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो तीन फॉर्मूले ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आती है, और पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6 में, वहां पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत ज्यादा पढ़ा था चैप्टर 6 जो था क्लास 10th में, और अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो 9th में हमने यूज किया था, 8th में भी हमने इसका यूज किया था, आज भी NCERT बुक में ये फॉर्मूला यूज है। सो ये तीनों फॉर्मूले हमें आते थे, मैंने फिर भी आपको बताया क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, या पढ़ा होगा तो भूल गया होगा, इंसान ही तो यार भूल जाते हैं हम लोग। तो ये 7 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं बेटा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, नोट करो, जल्दी से 7 पॉइंट रिवाइज करो, देन अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं।
तो अपना मजेदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है। पहले समझिए पहले क्वेश्चन, और गारंटी देता हूं अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने बहुत अच्छे से फोकस करा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं यह पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट पहले क्वेश्चन से खत्म है। बसरते कि पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है ना, तो पूरा एक्सरसाइज आप अपने आप क्लियर कर लोगे। और रहने दो सर जी, हम खुद करेंगे पहला एक्सरसाइज, ठीक है? मजा आने वाला है, तैयार रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, जो बी पर राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल है, इसका मतलब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिस पर बी पर राइट एंगल है, ये बी है। बच्चों अगर ये बी है तो ये ए होगा, क्योंकि पैटर्न से चलता है, ए बी और ये सी होगा। इस प्रकार का आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिस पर बी जो है वो राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू 24 है, ए बी आपके पास ये है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका 7 है, बी सी आपके पास 7 है। अब एक चीज देखिए, एक चीज कमाल देखिए, दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू गैप है। दो वैल्यू मुझे दे रखा है और तीसरी वैल्यू गैप है, और ये तीनों भाई हैं, तीनों जिगरी यार हैं, दोस्त हैं। जब तक ये तीनों नहीं होंगे कोई काम नहीं बन सकता हमारा, तीनों को साथ में लेके चलना हमें, तीनों को दोस्ती यारी साथ में चलेगी। तो दो दोस्तों हैं, तीसरा दोस्त इनका गैप है, और 90 के सामने कौन होता है, तो हाइपोटेनस। कहां चले गए भाई साहब, आगे वापस आके, सॉरी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती कई बार। तो 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस भाई साहब नहीं आए, लेट हो गए, इनका जो प्लेन था वो लेट हो गया। तो पहले हाइपोटेनियस भाई साहब को खींच के लाएंगे कि पहले हाइपोटेनियस आ जाओ, उसके बाद हम इन चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले निकालेंगे तीनों दोस्त को, दो दोस्तों हैं, तीसरा दोस्त मेरे पे नहीं है। तो पहले जब तक तीनों दोस्त नहीं होगा आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आपके भी अपने दोस्त होंगे ना, बिना दोस्त के आप स्कूल नहीं जाते, बिना दोस्त के आप कोचिंग नहीं जाते, तीनों दोस्त साथ में जाएंगे। तो पहले हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रभु का नाम लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेकर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, बड़ा प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा। इसका नाम लिखेंगे ए, ये था आपका बी और ये था आपका सी, ये आपका राइट एंगल, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर, और 90 के सामने होता हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे, और हाइपोटेनियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो बेटा कि हाइपोटेनियस इस क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेनियस नहीं है, इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस नहीं है, तो हाइपोटेनियस का मैंने फॉर्मा लगा दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास पी क्या है, पी की वैल्यू क्या है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा 24, परपेंडिकुलर है 24, और 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 24 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, तो कितना आएगा, तो 576 आएगा, आप करके देख लेना। प्लस बेस, बेस क्या है, तो 7 है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया बेटा। दोनों को ऐड कर दिया तो 625 आ गया, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 25 का, 25 का। और अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता तो मैंने स्क्वायर रूट पे एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिया था, याद करो मैंने छोटा सा वीडियो आपको बना दिया था कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर रूट आ जाए विद इन द 5 सेकंड में आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिया था। तो 625 स्क्वायर होता है बेटा 25 का, तो लो जी आपके पास 25 आ गया, तो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तीनों दोस्त मिल गए, अब आपके पास तीनों चीज हैं, आपके पास तीनों वैल्यू है, तो मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री का हर एक वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि तीनों दोस्त हैं, ये तीनों एक साथ ही चलते हैं, जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, खाने के लिए एक साथ जाएंगे। तो भाई साहब ये तीनों दोस्त में दो दोस्त था, मैं तीसरे वैल्यू नहीं पता। 90 के सामने होता हाइपोटेनियस, मैंने हाइपोटेनियस का फॉर्मा लगा दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्या था तो 24 था, 24 का स्क्वायर होता है 576, बेस कितना था तो 7 था, और 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या समझ में आ गया बेटा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया 625, 625 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये मेरे पास 25 का स्क्वायर आ गया। तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुका है, तीनों दोस्त मेरे पास है। अब मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दो, मैं एक बार में फाइंड कर सकता हूं। तरीका, मेथड, मेथड सीखा हमने, हमने मेथड सीखा है, तीनों चीज आ गई। अब देखिए
सबसे पहली चीज मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको साइन ए फाइंड करना है. यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए. आप पहला पार्ट सॉल्व करो बेटा, साइन ए आपको फाइंड करना है. साइन ए, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यार से. पहले साइन, साइन का फॉर्मूला, तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं. क्या आपको याद है मैंने समझाया था ये वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, याद करो बेटा. पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच. साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच. तो यहां आ जाएगा पी और ये आ गया एच. अब पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर. पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर. P means perpendicular और H means hypotenuse. और याद करो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाया था, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, परपेंडिकुलर कहां होता है, थीटा के सामने. थीटा यहां पर A है, थीटा की जगह A दिया हुआ है, तो A के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है, मैंने आपको बताई थी ये बात और मैंने कहा था याद कर लो, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है. थीटा कौन है, ए. तो ए के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा. तो डायग्राम में देखो, ये रहा भाई साहब ए, ये छुपे हुए ए, ए के बिल्कुल सामने है. ए के सामने देखो क्या है, तो सेवन है. तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो सेवन है. अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहां होता है, तो हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने, 90 के सामने. हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, तो 90 कहां है, ये रहा 90 के बिल्कुल सामने जाओ, तो 25 आपको मिल गया और आपका आंसर आ गया और आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया. जी हां, यही करना है पूरे एक्सरसाइज में, कसम से यही करना आपको, यही करना है. इसे क्यों फॉलो करना, आग लगा दोगे तुम अगर ये समझ में आ गया तो. मार्केट में आग लग जाएगी अगर तुमने ये बात समझ ली तो. कि P क्या लिखा हुआ है, P, P मतलब परपेंडिकुलर. सर जी ने क्या कहा था, परपेंडिकुलर कहां होता है, तो थीटा के सामने. थीटा कौन है, A. तो A के सामने, A के सामने 7 है, तो P जो है वो 7 है. H means होता है हाइपोटेनियस. सर जी ने सिखाया था, राजन सर जी ने सिखाया था, हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, तो 90 के सामने 25, तो 7/25 ये आ गया आंसर. कितना आसान है, कितना ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री समझो. चलिए इसी फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट और पूछ रहा है आपसे, कॉस ए की वैल्यू. यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए. कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच. देख लो मैंने लिख रखा है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच. ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है. साइन कॉस टेन, कल भी आपको 25 बार समझाया था मैंने. तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच. अब सर जी बेस कौन होता है, बी मतलब होता है बेस, और बेस कहां होता है, जो बच जाता है, जिसके सामने कुछ भी नहीं है. बेस होता है जो बच गया. अब ए के सामने तो परपेंडिकुलर है, ए के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन होगा, बेस होगा 24. भाई ए के सामने तो परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेनियस है. ये तो हमेशा हाइपोटेनियस, देखो ये जो है ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा. क्यों, क्योंकि 90 के सामने है, इसको तो देखना ही नहीं है. केवल खेल इन दोनों का है, ये दोनों आपस में खेल खेलते हैं. ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन है, तो 24 है. तो बेस की जगह लिखेंगे 24, बेस आपका 24 आ गया, और हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स था 25, और ये आ गया हमारा आंसर. देखो कितना हार्ड है, ओहो हो कितना हार्ड है. बच्चे पागल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है. कहां हार्ड है भैया, भैया कहां हार्ड है, भाई क्या कर रहा है बेटे, सोना चंदा क्या कर रहा है बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक एक लाइन में आंसर, आग लग रही है क्वेश्चन के अंदर. देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, आ जाओ सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चे. सेकंड पार्ट देखते हैं कि हमारा क्या है. अब साइन सी वो कह रहा है कि भैया कि आप साइन सी की वैल्यू निकालो. तो पहले साइन का फॉर्मूला लगाएंगे. साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच. साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच. साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच. अब समझिए थीटा कौन है, थीटा है सी. थीटा कौन है, तो थीटा है सी. तो सी के जो सामने होगा, सी के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा. तो ये सी है, सी के सामने परपेंडिकुलर होगा. देखो सी के सामने, सी के सामने, सी के सामने परपेंडिकुलर 24 हो गया. तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 हो गया क्योंकि वो सी के सामने है. और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो भैया हमेशा फिक्स होता है कि वो 90 के सामने होगा, जो कि था 25. नहीं आया समय में, हाइपोटेनियस सबसे अच्छा इंसान होता है, शरीफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 90 के सामने फिक्स रहता है. भैया मैं 90 के सामने बैठा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है. ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में खेलते रहते हैं. अब ये तो थीटा था, थीटा क्या है, सी है. तो सी के सामने, सी के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर आ गया 24, और हाइपोटेनियस तो हमें पता है 25 फिक्स है, तो कोई चेंज होगा नहीं.
एक चीज और पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, आपसे पूछ रहा है कॉस सी, कि कॉस सी निकालो। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। थीटा कौन है? सी। थीटा कौन है? थीटा क्या है बेटा? थीटा सी है। तो सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सी के सामने परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या होगा? तो बेस आपका 7 होगा। तो आपका बेस जो है वो 7 होगा और हाइपोटेनियस फिक्स है 25 है। क्या बेटा सबको समझ में आ गया? अधिकतर बच्चों को जीवन भर यह कंफ्यूजन रहता है कि अभी तो सर्जिन परपेंडिकुलर की जगह 7 लिखा था। ध्यान से सुनो, जो जिन बच्चों की मैथ कमजोर होती है, कमजोर क्या होती है? उन्होंने अपने आप को कमजोर बना रखा है। कमजोर किसी की नहीं होती, हम सब एक जैसे पैदा हुए, एक जैसे चीजों को समझ रहे हैं। जो मेहनत नहीं करते उसकी भाई मैथ कमजोर रहेगी, सीधी सी बात है। एसएसटी तो देखो, एसएसटी तो एक रटने वाला सब्जेक्ट है, हिंदी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन साइंस भी काफी हद तक हम चीजों को याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनी है, समझने के लिए बनी है, बुद्धि शक्ति को बढ़ाने के लिए बनी है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए बनी है, रीजनिंग पावर को इंक्रीज करती है ये मैथ। अब कई बच्चे मुझसे अक्सर आके पूछते हैं जिनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक होती है, सर यहां तो आपने परपेंडिकुलर 7 ले लिया और यहां आपने परपेंडिकुलर 24 लिया, दिस इज चीटिंग सर, ये तो गलत बात है सर। सर आपने परपेंडिकुलर 7 ले लिया, यहां परपेंडिकुलर आपने 24 ले लिया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, वो कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जा रहे, वो क्वेश्चन देख रहे हैं कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं पी 7 और पी 24 ये अलग अलग क्यों है। अरे भैया, अरे भाई, मेरे प्यारे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे ढोकले, मेरे समोसे, सुन मेरी बात। P और H जो होता है ना, वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहां पर क्या है ये देख, यहां पर A है, तो A के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो A के सामने देख क्या है, तो 7 है, इसलिए यहां परपेंडिकुलर 7 था। H में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो C के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो C क्या है? C के सामने देखो, C के सामने 24 है, C के सामने क्या है 24 है, इसलिए यहां C के सामने परपेंडिकुलर 24 है। समझ में आया? तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहां परपेंडिकुलर 7 है, यहां परपेंडिकुलर 24 है, ये तो सर जी चीटिंग हो गई, इसलिए सर जी मैथ समझ में नहीं आती। अरे लाल, ये जो परपेंडिकुलर तुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। थीटा भी तो देख अलग अलग है। जो इसके सामने होगा, भाई एक बात, मेरे सामने वाला, मेरे घर के जो सामने वाला है और तेरे घर के जो सामने वाला है, क्या वो सेम इंसान हो सकते हैं क्या? पहले इस चीज का आंसर दे। क्या मेरे घर के सामने वाला और तेरे घर के सामने वाला क्या सेम इंसान हो सकते हैं बेटा? क्या मेरे घर के सामने आपके घर के सामने जो व्यक्ति रह रहा है, क्या वो सेम हो सकते? नहीं ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये इसके सामने, ए के सामने और सी के सामने, जिसके सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है इन फिगर 8.13 आपको फिगर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, ओहो, फिगर पहले से दिया, वो कमाल की बात है, फिगर पहले ही दे दिया, बहुत बढ़िया, हमारी आधी टेंशन पहले ही खत्म कर दी। अब एक चीज बताओ, इस फिगर को देख के मुझे क्या लगता है कि भाई 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो मुझे मिल गया, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, ये मिल गया हाइपोटेनियस, ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो बचा कौन? बेस। इसका दोस्त जो है बेस, वो बेस बिछड़ गया। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस नहीं पता इस क्वेश्चन का। और मैंने क्या कहा था, ये तीनों घने मित्र है, घना मित्री है, इनमें दोस्ती है, इनके अंदर सहेला है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के साथ अकेले कहीं नहीं जा सकते जब तक कि तीनों एक साथ नहीं हो जाते। तो पूरे क्वेश्चन की स्टडी करने के बाद मुझे यह चीज समझ में आती है कि मेरे पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तीसरा दोस्त बेस, बेस की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता इसमें क्या पूछ रहा है, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं पहले समझूंगा कि भैया बेस फाइंड करना पड़ेगा, पहले मैं बेस फाइंड करूंगा, क्योंकि बेस नहीं है मेरे इस क्वेश्चन में, बेस नहीं है भैया, तो बेस पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के पहले बेस फाइंड करते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल, बड़ा खूबसूरत सा, सुंदर सा, बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा डायग्राम है, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भाई साहब नहीं गिवन है बेस, इसे बोलते हैं बेस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। सो
सबसे पहले मैं बेस का फॉर्मूला लगाऊंगा, और बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। सर जी एच क्या है, एच देखो एच है 13, ये था ना 90 के सामने वाला होता है एच, एच कितना है 13 है, और 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 होगा। सर जी कैसे, अरे भैया 13 की मल्टीप्लाई 13 से कर दे, स्क्वायर का मतलब उसकी दो बार मल्टीप्लाई, तो H कितना है, H है 90 के सामने, that is 13, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आ गया। P कितना है, P परपेंडिकुलर कितना है, तो 12 है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 में से 144 माइनस करूंगा 25 आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 सेंटीमीटर। लो जी आपका थर्ड पार्ट भी आ गया 5 सेंटीमीटर, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पास तीनों वैल्यू है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, अब तो मुझे टोकोगे नहीं, अब तो कुछ नहीं कहोगे मुझे, अब तो मुझे कुछ नहीं बोलोगे, मैंने तीनों दोस्त ला दिए तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए तीनों दोस्त ढूंढ दिए, तीनों दोस्त ला दिए, ठीक है तीनों दोस्त आ गए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ सकता हूं, अब मैं क्वेश्चन को जानना चाहता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो, फाइंड करो टेन पी माइनस कॉट आर, तो पहले टेन पी निकालना पड़ेगा, फिर कॉट आर निकालना पड़ेगा, फिर एक दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, तो पहले टेन पी निकालता हूं। चलिए बेटा पहले निकालता हूं टेन पी, जरा मेरी बात गौर से समझना, मजा आएगा 100% मजा आएगा। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले को साइड में मैं हर बार लिख लेता हूं और बार बार बोल भी नहीं सकता मैं, पता लगे मम्मी पापा बगल में बैठे हैं और मेरी तुड़ाई हो जाए। तो टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, है ना, साइन कॉस टेन, ये टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, हमने फॉर्मूला लगा दिया। सर जी थीटा क्या है, थीटा P है, थीटा P है, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ढूंढिए P कहां है, P आपका ये रहा, और P के जो बिल्कुल सामने है वो कौन है, 5, तो इसलिए परपेंडिकुलर जो है वो 5 होगा। तो बेस क्या होगा, बेस आपका 12 होगा, क्यों सर जी 12 क्यों, 13 क्यों नहीं, क्योंकि 13 तो फिक्स है ना, हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने, हाइपोटेन्यूस ये तो बेचारा तो फिक्स है 90 के सामने, 90 के 90 के सामने ये जो 13 दिया हुआ है तो फिक्स है ना बेचारा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई, वो तो पहले ही फिक्स है कि 13 जो है हमारा वो हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि वो 90 के सामने है, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो आपने देखा कि पी, पी के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो पी के सामने परपेंडिकुलर 5 मिला, तो बेस कौन होगा, 12 ही होगा ना, क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूस, उसको छोड़ दो तो बेस तो 12 होगा, तो ये आ गया पहला आंसर। दूसरा आपसे पूछा था कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर, और कॉट किसका उल्टा होता है, याद करो कॉट उल्टा होता है टेन का, कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट उल्टा होता है टेन का, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, याद करो साइन का उल्टा कॉसेक, याद आया कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो ये क्या है, कॉट है, Here is, it is cot, और cot किसका उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा होता है, तो कोई बात नहीं इसके फॉर्मूले को उल्टा कर दो, cot किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 10 को उल्टा कर दो, यानी इसको उल्टा कर दो 10 के फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला बन गया b अपॉन में p। अब पता लगे आपने इसको भी उल्टा कर दिया, ऐसा मत करना, थीटा देखो अलग है, थीटा अलग है, थीटा डिफरेंट है। अब थीटा क्या है सर जी, थीटा देखो, थीटा जो हमें है r गिवन है, थीटा आर गिवन है, लाल मेरे सोना थीटा देख आर गिवन है, तो जो आर के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो आर ढूंढो, आर क्या है, आर ये रहा, आर के सामने परपेंडिकुलर, आर के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, तो बेस क्या होगा, तो बेस आपका 5 आएगा, क्योंकि 13 तो फिक्स है। अब आपने पहला पार्ट भी सॉल्व कर लिया, आपने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन में वो पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आर, कि आपने जो पहला वैल्यू निकाला और दूसरा वैल्यू निकाला, दोनों को माइनस करो, तो टेन पी, बताओ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन पी, दैट इज 5 अपॉन 12 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट आर, द वैल्यू ऑफ कॉट आर इज 5 अपॉन 12, और 5 अपॉन 12 से 5 अपॉन 12 कैंसिल, एंड 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सर जी इतनी मेहनत करी और आंसर क्या आया, 0 आया, क्यों इतनी मेहनत कराते हैं सर जी मैथ में,
इतना मेहनत करा, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे और आंसर आपने लास्ट में जीरो आ गया। बेटा जीरो की बहुत वैल्यू है लाल मेरे, जब सैलरी के आगे जीरो लग जाती है ना, जब सैलरी के आगे जीरो लग जाती है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है बच्चे। इसलिए ध्यान से समझो, टेन पी की वैल्यू लिख दी, कॉट आर की वैल्यू लिख ली, 5.12 से 5.12 कैंसिल हो गया, आंसर जीरो आ गया। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर दिया। मैंने कहा था ना, जिसने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया उसको बाकी क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार आपसे कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू जो है वो 3/4 है। साइन ए की वैल्यू 3/4 है। आपको पहले गिवन है कि साइन ए की वैल्यू, आपके पास गिवन है कि साइन ए की वैल्यू जो है वो 3/4 है, ये आपको गिवन है। तो कह रहा है साइन की वैल्यू 3/4 है तो कॉस की और टेन की वैल्यू निकालो। और सर जी ये कैसे निकलेगा, हमें तो साइन की वैल्यू दे रखी है और कॉस और टेन की वैल्यू पूछ रहा है। सब फाइंड हो जाएगा। साइन की वैल्यू गिवन है ना, साइन की वैल्यू गिवन है, किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो बाकी सारी वैल्यू निकाली जा सकती है। साइन की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो कह रहा बाकी की वैल्यू बताओ कॉस की और टेन की। मैं तो कॉस और टेन की छोड़ो, दुनिया का हर आंसर निकल सकता है अगर मुझे एक वैल्यू गिवन है तो। हाँ सर जी सारे आंसर निकाल सकते हो आप। अगर मुझे साइन ए गिवन है बेटा, मुझे साइन की वैल्यू गिवन है तो मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सब कुछ, केवल एक वैल्यू से। कैसे, चल तरीका देखते हैं। मुझे साइन की वैल्यू 3/4 है, वापस आता हूं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, पापा बियर पियोगे, हां हां बेटा। मेरे पापा ही ना देख ले मेरा वीडियो, मेरी थोड़ा हो जाएगी सबसे पहले। चलो छोड़ो, दिखाऊंगा नहीं पापा को। आ जाओ जी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन का फॉर्मूला जो है वो है P/H, ये साइन का फॉर्मूला है। तो साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, ये फॉर्मूला हो गया। तो P की वैल्यू हो गई 3 और H की वैल्यू हो गई 4। P की वैल्यू 3 कहलाएगी और H की वैल्यू 4 कहलाएगी। P की वैल्यू 3, आमने सामने देखो कंपेयर करो, P 3 आ गया और H 4 हो गया। तीसरे भाई साहब कहां है, मैंने क्या समझाया था, जब तक तीनों दोस्त ये इकट्ठे कहां भाई, क्या दिक्कत है, वापिस आ गए। वापिस आ गए, टेक्निकल थोड़ी हो जाती है भाई, थोड़ा रिलैक्स रखो। सो पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 4 है, लेकिन तीसरा दोस्त गैप है इनका, वो है बी। पी है, एच है, बी गैप है, बेस गैप है आपका, बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बेस फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे, और बेस का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस का फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, साथ में के स्क्वायर लिख देना। और सर जी के कहां से आ गया, सर जी क्या कह रहे हो आप, यहां के वे कहां से आ गया सर जी। बेटा मैं बताता हूं, ये जो 3/4 है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों, ये कटपिट के आया होगा। जैसे हो सकता है कि वैल्यू 3/4 आपको दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि 12/16 हो, और जब कट गया होगा 4 से, 4 3 12 एंड 4 4 16, 3/4 आ गया ना। तो 3/4 ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कटपिट के पता, मतलब कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा एग्जैक्ट, ये किसी को नहीं पता, लेकिन कटा तो होगा ना, कटपिट के आया होगा। तो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम के को लेके चलते हैं। सर जी हमारे सर जी ने तो के नहीं लिया, आप ही के ले रहे हो। एक काम कर बेटा, एक काम कर, एनसीईआरटी बुक है ना तेरे पास, आपके पास एनसीईआरटी किताब तो होगी, एक बार उठा के देखो, पहला एग्जांपल उठा के दो, बाकी छोड़ो तुम, फर्स्ट एग्जांपल उठा देना। उन्होंने के का इस्तेमाल करा है, क्यों, वो पागल है, बड़े बड़े प्रोफेसर ने लिखा है। एनसीईआरटी बुक पूरे इंडिया के अंदर चलती है बेटा, और जो बाकी अदर कंट्री कुछ है जहां पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेती है वहां भी फॉलो होती है। बड़े बड़े प्रोफेसर ने, पीजीटी टीजीटी उन्होंने लिखा है बुक, भाई साहब उनमें बहुत दिमाग है। ये 3/4 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कटपिट क्या होगा 3/4। सो हमें के का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए आप एग्जांपल उठा लेना एनसीईआरटी का, पहले एग्जांपल में के का इस्तेमाल किया है, दूसरे एग्जांपल में भी के का इस्तेमाल किया, आप देख लो सारे एग्जांपल सब में उन्होंने के का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जानते हैं ये 3/4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए के का इस्तेमाल जरूर करना। क्योंकि आपके बोर्ड में जो पेपर चेक होते हैं ना,
वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके अकॉर्डिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे टीचर के अकॉर्डिंग या आपके टीचर के अकॉर्डिंग आंसर चेक नहीं होगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर चेक होगा। इसलिए के साथ में लिखना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हालांकि कोई यूज नहीं है के का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जी हमारे सर ने तो के नहीं लिया था फिर भी आंसर आ गया था। हाँ आंसर तब भी आएगा, वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के से के भी कट जाएगा। अगर यहां के लिख दूंगा, के लिख दूंगा, के से के कट जाएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी लिखना चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज आर रेशियो, ये रेशियो है, इसलिए हमें के साथ में लिखना चाहिए। तो एच क्या है, वैसे भी तुम्हें दिक्कत क्या है, के लिख दो, क्या दिक्कत है भाई। एच क्या है, फोर है, फोर का स्क्वायर 16 माइनस पी क्या है, तो पी थ्री है, थ्री का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। बेटा 16 में से 9 घटाओगे 7 के स्क्वायर, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 7 ऐसी रहेगा, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, के स्क्वायर बाहर किया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता, बाहर किया जाएगा, बस के का इस्तेमाल खत्म। यहां से के शुरू हुआ और यहां से के खत्म हो गया। अबे दो लाइन के लिए बच्चे, दो लाइन के लिए के लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है आपके लिए। अगर दो लाइन के लिए हम के का इस्तेमाल कर ले और नंबर ना कटे हैं तो बेहतर है ना के लिख लो, दो लाइन में लिखना है बस, यहां पर के का काम खत्म, अब कोई के का इस्तेमाल नहीं करना, बस हो गया के का काम खत्म। So, सबसे पहले आप स्टार्टिंग देखो, यहां से स्टार्टिंग में मुझे क्वेश्चन दिया था कि साइन की वैल्यू 3/4 है, 3/4 पी अपॉन एच होता है, मेरे पास पी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, और राजन सर जी ने कहा था जब तक तीनों दोस्त ने आगे मत बढ़ना तो मैं बेस निकालूंगा। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच क्या है, एच है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पी क्या है, पी है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 माइनस करूंगा 7 बचेगा, 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं, के स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, के बाहर आ गया, तो ये आ गया, तीनों वैल्यू है। अब मेरे पास पी है, एच है और बी है, तीनों है। पी की जगह 3 लिखूंगा, एच की जगह 4 लिखूंगा और बी की जगह 7 लिखूंगा, अंडर रूट 7 लिखूंगा, तो मेरे पास तीनों वैल्यू है। अब मैं से पूछ क्या जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा था कॉस ए और टेन ए, वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉस ए एंड टेन ए। सो सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं कॉस ए, क्या निकाल रहा हूं बेटा, कॉस ए, और कॉस का फॉर्मूला क्या था, तो बी अपॉन एच था, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है। सर जी कैसे, बार बार नहीं बोलूंगा यार, तुम लोग ना पिटवा के मानोगे मुझे, लिख देता हूं मैं, मजबूरी है मेरी बट लिखना नहीं चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, हेयर कॉस का फॉर्मूला साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस, दैट इज बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू क्या फाइंड की थी, बी की वैल्यू थी अंडर रूट 7, के लिखने की जरूरत नहीं है। एच, एच क्या था, एच की वैल्यू 4 था, तो एच की जगह लिख देंगे 4, हो गया काम खत्म। Now, 10a, we are going to find the 10a, and what is the formula of 10a? P upon b, p upon b, p upon b. So, the value of p was, p की value कितना था? 3 था, p की value 3 था, तो p की जगह तो 3 use करूँगा, और b, base कितना था? Base आपने find किया था, under root 7, under root 7. So, here is the required answer. So simple, sir जी, मजा आ गया, इतना आसान था sir जी, हम लोग तो बड़ा hard समझते थे। बहुत हार्ड समझते थे ट्रिग्नोमेट्री को, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, कुछ खड़ा ही इन क्वेश्चनों में, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इजी तरीके से चल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए फिर से आपको गिवन है, 15 cot a इक्वल टू 8, तो आपसे पूछ रहा है साइन ए, सेक ए वगैरह वगैरह, फिर भाई वही एक चीज दिया हुआ है और दो चीज आपसे पूछ रहा है, एक चीज आपको गिवन है और दो चीज फिर से आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन सर जी उसमें तो अपॉन में दिया था, यहां तो सर जी ऐसे लिखा हुआ है, तो भाई 15 अपॉन में ले आओ, ये 15 अपॉन में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लो 15 cot a इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, cot a की जगह cot a, 8 की जगह 8, ये 15 आएगा अपॉन में, लो जी सेम क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले आता हूं फॉर्मूले पे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है 10 का, कॉट उल्टा होता है 10 का, इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो बी अपॉन पी आएगा, ऊपर बी आएगा नीचे पी आएगा, बी ऊपर और पी नीचे, उल्टा हो गया, तो बी गिवन है और पी गिवन है। तीन दोस्त थे मेले में घूमने गए, एक खो गया, बी और पी तो अभी भी साथ में है, तीसरा दोस्त कौन गायब है, बोलो बोलो, एच, वेरी गुड, एच को फाइंड करेंगे, पहले पुलिस में कंप्लेन करी कि भैया हमारा दोस्त एच गैप है, तो
तो पुलिस वालों ने एक फॉर्मूला लगाया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करा, इनकी तुड़ाई करी पहले कि बता कहां खोए, जगह बताओ। तो पी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब पी है ना 15 का स्क्वायर करो तो 225 के स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 के स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे 225, 225 में 225 और 64 को ऐड कर लेना, ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर, और 289 स्क्वायर होता है किसका, 17 का, 289 स्क्वायर होता है 17 का, के की जगह के, 289 स्क्वायर होता है 17 का, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर से रूट कट जाता है। सर जी आपने बैग लिख दिया 17, आपको कैसे पता स्क्वायर, अरे भाई मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो था बहुत, 5 सेकंड 7 सेकंड में आप भी निकाल सकते हो स्क्वायर किसी भी नंबर का, दुनिया के तरीका बताया था मैंने बच्चों को, तो 289 का स्क्वायर निकाल के देखना 17 आता है, के स्क्वायर की जगह के का काम खत्म। अब तीनों दोस्त मिल गए, पुलिस वालों ने के ढूंढ लिया, ये आज बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है भाई, ये तो बहुत परेशान कर रहा भाई, चलिए कोई बात नहीं। सो अब आपके पास बी है, बी की वैल्यू 8 है, पी है, पी की वैल्यू 15 है, पी की वैल्यू 15 है, और आपके पास एच, एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू 17 है, तीनों वैल्यू आपके पास, यू हैव द वैल्यू ऑफ बी, यू हैव द वैल्यू ऑफ पी एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ एच, आपके पास तीनों वैल्यू है। आई रिपीट, मेरे पास बी है, मेरे पास पी है, मेरे पास एच है, तो जब मेरे पे तीनों दोस्त हैं तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, एक तो मुझे फाइंड करना है साइन ए, सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए, और एक फाइंड करना है सेक ए, ये दोनों फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूले की जरूरत है, साइन, साइन का फॉर्मूला देखो ये रहा, साइन का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला साइन का ही होता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है साइन का फॉर्मूला। अब पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है, तो पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू 15 है, पी की वैल्यू 15 है, तो पी की जगह 15, पी की जगह 15 लिखूंगा, और एच, एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू 17 है, अभी आपने फाइंड किया था, हो गया आंसर। सेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दो, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कॉस का होता है, इसका उल्टा कर दो तो एच ऊपर आएगा, बी अपॉन में आ जाएगा, तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू क्या थी, एच की वैल्यू आपने फाइंड की थी 17 आया था, तो एच की जगह 17 लिखूंगा, और बी, बी की वैल्यू क्या थी, तो बी की वैल्यू 8, तो बी की जगह 8 लिखूंगा, बी की जगह 8 लिखूंगा, हो गया आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइंड कर लिया, क्या सबको समझ में आ गया बेटा, केवल वीडियो देखकर नोट करने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को, कॉपी बंद करके, वीडियो को बंद करके, बाद में पहले पूरा वीडियो देख लो, पूरे एक्सरसाइज का वीडियो देख लो, एक एक क्वेश्चन को समझ लो, देन कॉपी को बंद करके आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में मैं करा रहा हूं, आप नहीं कर रहे, समझ रहे हो, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले पूरा समझ लो, पूरा एक्सरसाइज वीडियो देख के, लेकिन उसके बाद वीडियो को बंद करके, बिल्कुल क्लोज करके, बुक लेकर, कॉपी लेकर, उस क्वेश्चन को खुद करना है कि जो सर जी ने समझाया वो मेरे समझ में आया या नहीं आया, या मैं सिर्फ नोट कर रहा हूं, नोट नहीं करना, समझना इस चीज को। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, फिर से देखिए, कमाल है यार क्वेश्चन बनाने वालों को, फिर से वही क्वेश्चन है, sec theta given है, इस बार sec की वैल्यू दे दी 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और कह रहा बाकी सारे निकालो, बाकी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी बाकी सारे निकालो, साइन भी निकालो, कॉस भी निकालो, टेन भी निकालो, कॉसेक भी निकालो, sec तो हमें दिया हुआ है, और cot भी निकालो, सारे फाइंड करने हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर एक वैल्यू हमें मिल जाए, हमें एक वैल्यू की बने, एक की वैल्यू की बने, तो ट्रिग्नोमेट्री में यही फायदा है, अगर एक की वैल्यू पता लग जाए, एक अपराधी मिल जाए, तो उसको मार पीट के हम सारी वैल्यू निकलवा सकते हैं उससे, उसके सारे दोस्तों का नाम उगलवा सकते हैं हम लोग, एक वैल्यू मिल गई ना, अब इसकी इतनी पिटाई होगी कि अपने आप सारे नाम उगल देगा, सबकी वैल्यू बता देगा ये, कैसे, आइए sec थीटा दिया हुआ है 13/12, मुझे क्वेश्चन के अंदर sec थीटा दिया हुआ है 13/12, ये sec थीटा गिवन है, ठीक है बेटा। शुरुआत करता हूं फॉर्मूले से, हर बार देखो, हर क्वेश्चन में मैं शुरुआत फॉर्मूले से ही करा हमेशा, तो
तो शुरुआत करता हूं फॉर्मूले से कि फॉर्मूला क्या होता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत बढ़िया। सेक थीटा गिवन है, सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कॉस का, 25 बार बता चुका हूं, सेक उल्टा होता है कॉस का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा कर दो तो आ जाएगा एच अपॉन में बी, इसका उल्टा कर दोगे तो एच ऊपर और बी नीचे। तीन दोस्त थे घूमने गए मेले में, दो दोस्त मिल गए, एक दोस्त बिछड़ गया, बताओ कौन बिछड़ गया यहां? एच है बी है, कौन इनसे बिछड़ गया? पी, वेरी गुड। तो पहले हमें पी को ढूंढना पड़ेगा, तो हम जाएंगे पी की कंप्लेन लिखने। तो पी की कंप्लेन लिखी तो पुलिस वालों ने फॉर्मा लगाया पी निकालने के लिए कि भैया इस फॉर्मूले से हम पी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पी का? तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है पी का फॉर्मूला। एच, एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू 13 है, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, करके देख लेना, 13 की मल्टीप्लाई 13 से कर लेना। बी है 12 का स्क्वायर, सॉरी के नहीं लिखा बेटा, के लिखना, के स्क्वायर माइनस बी है 12 का स्क्वायर करोगे 144 के स्क्वायर, ये जरूर लिख देना के, मार्क्स कट जाएंगे बाद में मुझे मत कहना। 169 में से 144 माइनस कर दो, 25 के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, के, बस काम खत्म, के का 25, 25 5 का स्क्वायर होता है ना, और के स्क्वायर मीन्स के आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है, अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है। कौन कौन सी वैल्यू? मेरे पास सारी वैल्यू है, एक बार चेक करो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है। मेरे पास एच की वैल्यू है जो कि 13 है, मेरे पास बी की वैल्यू है, देखो मेरे पास सारी वैल्यू है, मेरे पास एच की जगह 13 यूज करूंगा, बी की जगह 12 यूज करूंगा, और पी की जगह 5 यूज करूंगा। तीनों वैल्यू है मेरे पास, अब मैं सारी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ए टू जेड मैं सारी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। पहले ये तीन वैल्यू की बात कर लेते हैं, मुझे ये तीन वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर तीन वैल्यू निकल गई तो बाकी मैं उल्टा कर ही लूंगा। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये वाला फॉर्मूला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और बाकी दूसरा तो पता ही होगा आपको, वो यूज कर लेना। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, पी क्या है? पी की वैल्यू आपके पास 5 है, पी की वैल्यू आपके पास 5 है, और एच आपके पास 13 गिवन था, एच की वैल्यू 13 हो गया पहला आंसर। कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बी क्या है? बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू 12 है, बी की जगह 12 है, तो बी की जगह 12 लिखूंगा, और एच की वैल्यू 13 आपको गिवन है। टेन का फॉर्मूला होता है बेटा पी अपॉन बी, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है? पी आपका 5 है और बी आपका 12 है, तो पी की जगह 5 आएगा। भाई देखो ना, पी की वैल्यू 12 है, 5 है, पी की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 12 है, तो पी की जगह 5 और बी की जगह 12, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब जब ये तीन वैल्यू फाइंड हो गई ना बेटा, तो मुझे बाकी तीन वैल्यू फाइंड करने में टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इन सबका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हालांकि सेक थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, लेकिन मैं फिर भी सेक थीटा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, हम फिर भी फाइंड कर लेंगे, केवल आपको उल्टा करना है, फॉर्मूले का उल्टा कर दो। तो एच अपॉन में पी, इसका उल्टा कर दो तो 13/5 हो गया आंसर, उल्टा कर दो तो एच अपॉन में बी, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो तो 13/12 रेसिप्रोकल करो तो बी अपॉन में पी, और इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये 12 था शायद, है ना, यहां पे 12 था, रेसिप्रोकल कर दो तो 12/5 तो देखिए आपके पास टोटली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियो आ गई, 1 2 3 4 5 6 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सारी वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। हालांकि sec थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि sec थीटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन फिर भी मैंने फाइंड कर लिया ये चेक करने के लिए कि भाई मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो देखो 13/12 आया ना, हमारा आंसर 13/12 आया,
और क्वेश्चन में भी 13/12 दे रखा है, तो हमारा आंसर सही है। आपको नीड नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, इसकी वैल्यू को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू गिवन था, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसे लिख लिया। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन करो, जब तक मैं एक बार इस बोर्ड को चेक करता हूं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूं, तब तक आप इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन इसे कहते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, क्योंकि बाकियों से बिल्कुल अलग है ये क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। सर एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, जो 90 से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेटा न्यून कोण। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं बेटा, न्यून कोण बोलते हैं। तो ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, इट मींस ये इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा है कि जो भैया सी भाई साहब है ना, भाई ट्रायंगल में तो तीन साइड तीन एंगल होंगे ए बी सी, अब ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो इनडायरेक्टली भाई साहब ये बोल रहे हैं जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। चीजों को समझो कि ए और बी एक्यूट है तो बचा कौन, सी, तो सी कौन होगा, राइट एंगल होगा। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 में एक प्यारा सा सुंदर सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम 90 डिग्री रखेंगे सी को, क्यों, क्योंकि ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो ये सी है तो ये बी होगा, क्योंकि पैटर्न से चलता है बेटा, ये ए होगा, ए और बी एक्यूट एंगल है। बहुत बढ़िया सर जी, आगे सच डेट इस प्रकार से है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए जो है वो इक्वल है कॉस बी के, ये दोनों इक्वल है, तो प्रूफ करके दिखाओ, देन शो डेट, तो प्रूफ करके दो कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। आग लगा देगा ये क्वेश्चन मार्केट में, आग लगा देने वाला क्वेश्चन है बेटा ये, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो प्रूफ करो कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये हमें प्रूफ करके देना है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। Here it is given that cos A equal to cos B, then you have to prove that angle A equal to angle B. So, to prove, हमें प्रूफ क्या करना है सर जी, to prove, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। नाउ थर्ड स्टेप आते हैं, डेट इज द सोल्यूशन, अब इसका हल करेंगे और हल चलाएंगे और खेत में अच्छी अच्छी उपज उगाएंगे। चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ये कॉस ए बराबर है कॉस बी, मैं इसी पर फोकस करता हूं कि आपको गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, है ना, ये गिवन है ना आपको, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको गिवन है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला हमने पढ़ा था आपको याद होगा, मैं बार बार नहीं बोल सकता, आपको पता है रीजन, तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, पहला फॉर्मूला साइन का होता है, ये पहला फॉर्मूला साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, यही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, यहां तो बात कॉस की हो रही है ना बेटा, मेरे लाल मेरे समोसे, यहां बात कॉस की हो रही है, एंड कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। थीटा कौन है, ए है, थीटा कौन है, ए, तो आ जाओ फिगर में डायग्राम को देखो बेटा, ए, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, बीसी इज द परपेंडिकुलर, देखो थीटा ए था और ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो बेस कौन होगा, तो बेस होगा आपका एसी, नीचे वाला एसी, तो बेस होगा आपका एसी, बेस आपको मिल गया। अपॉन में होता हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस भैया तो हमेशा फिक्स रहते हैं कि 90 के सामने होगा, तो 90 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने कौन है, तो ए बी है, 90 के सामने ए बी है, तो हाइपोटेनियस की जगह आपको ए बी लिखना पड़ेगा। इक्वल टू में फिर से आ गया कॉस बी, अगेन कॉस बी, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कॉस का, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, ये रहा फॉर्मूला बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कौन है इस बार, इस बार थीटा जो है वो बेस है, बी है सॉरी, इस बार थीटा जो है वो बी है, थीटा इज द बी, इस बार थीटा बी है, तो बी पे फोकस करो, और बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बी के सामने, ये है बी और बी के सामने होता है परपेंडिकुलर, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, बी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया,
तो बेस क्या होगा, तो बेस ये होगा, बेस का नाम आएगा बीसी। आप बेस की जगह बीसी लिखोगे और हाइपोटेन्यूस भैया तो हमेशा फिक्स है कि वो ए बी होगा। नाउ ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। आपने प्रूफ कर दिया कि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, दो साइड इक्वल प्रूफ कर दिए। ए सी, ए सी कहां है ढूंढो, ए सी आपके पास ये रहा, ये है ए सी और ये है बी सी, ये दोनों इक्वल आपने प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। याद कीजिए नाइन्थ क्लास, जब आप नौवीं क्लास में थे, सर जी नाइन्थ की बात मत याद कराया करो, दिल पे चोट लग जाती है। ठीक है छोड़ो बेटा, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो इसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होता है ना तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे एक थ्योरम लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर जी क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब है बेटा कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो एसी बराबर है बीसी के, तो बेटा एसी के सामने देखो, एसी के सामने एंगल बी है और बीसी के सामने एंगल ए है, तो इसके सामने बी और इसके सामने ए, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल आ गया और ये आपका आंसर, हैंस प्रूफ कर दिया आपने, इति सिद्धम आपने सिद्ध कर दिया। एक बार सर जी दोबारा समझा दो प्लीज, सर जी रिक्वेस्ट यू एक बार और समझा दो। जी हाँ भाई साहब आ जाओ दोबारा देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो एंगल सी हमने 90 डिग्री ले लिया, बाकी ए और बी एक्यूट एंगल है। नाउ आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, आपको क्वेश्चन में दिया था कॉस ए आपको कॉस बी के इक्वल है और प्रूफ करो एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आपको गिवन क्या था, कॉस ए बराबर कॉस बी। सबसे पहले कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। इस बात को समझो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन, मेन फॉर्मूले पे ध्यान दो, केवल फॉर्मूले का ही कमाल है भाई, लिखा हुआ है कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा कौन है, ए, तो ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, ए के सामने तो परपेंडिकुलर, तो मुझे परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो बेस ये होगा एसी, तो आपको बेस की जगह एसी लिखना पड़ेगा और हाइपोटेनस तो 90 के सामने होता है ए बी। अब फिर से कॉस का फॉर्मूला, तो फिर से कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन, अब यहां पर साइन होता तो साइन का फॉर्मूला लगाता, टेन होता तो टेन का फॉर्मूला लगाता, भाई फिर से कॉस है, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, दोबारा कॉस दिया हुआ है तो मैं फिर से कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे कॉस गिवन है। यहां पे 10 दिया होता मैं 10 का फॉर्मूला लगाता, कॉसेक दिया होता कॉसेक का फॉर्मूला लगाता, जो दिया होगा मुझे मैं उसी का तो फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, मुझे कॉस गिवन है, मैं फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब थीटा कौन है, बी, थीटा बी है, तो बी के जो सामने होगा, बी के जो सामने होगा, ये बी के सामने है तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है, तो बेस ये होगा, तो बी सी आपका बेस होगा और हाइपोटेनियस ए बी, ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी। नाइन्थ क्लास, नौवीं क्लास में थ्योरम था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका यह मतलब है कि अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है बेटा लाल मेरे, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस तरह एंगल ए बराबर एंगल बी, और हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके बुक में भी है, एग्जांपल 2 या एग्जांपल 3 है शायद, आपके एनसीईआरटी बुक में चेक कर लेना, शायद एग्जांपल 2 या एग्जांपल 3 है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एग्जांपल 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको गिवन है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो कितने सारे आपने क्वेश्चन करे, देखो 5 क्वेश्चन भी ऐसी था, बिल्कुल देखो आप मैच करो, 5 क्वेश्चन भी ऐसी था, 4th क्वेश्चन भी ऐसी था 15/5 में आ गया था, 3rd क्वेश्चन भी ऐसी था 3/4 दे रखा था, तो लगभग सारे क्वेश्चन 3rd हो 4th हो 5th हो 7 हो, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो कह रहा है इस पूरे की वैल्यू निकालो, हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है अगर कॉट थीटा 7/8 है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूं कैसे आप एग्जाम में करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको cot थीटा गिवन है, cot थीटा है ना, cot थीटा गिवन है, cot थीटा की वैल्यू जो है वो 7/8 है, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि तीन दोस्त थे ये अकेले कहीं नहीं जाते, तीनों साथ जहां जाएंगे तीनों साथ जाएंगे। जिसने मेरी बात यह समझ ली भाई, आपके भी तो तीन दोस्त होंगे, जहां जाओगे साथ में जाओगे। तो cot थीटा, एक बार फॉर्मूले की बात करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं cot थीटा की, हट जाओ साइड जाओ, अभी अभी हमारे बीच बातचीत हो रही है। cot थीटा की वैल्यू 7/8 है बेटा। cot किसका उल्टा होता है, cot उल्टा होता है tan का, cot उल्टा होता है tan का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो b/p आ जाएगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला बन गया b/p। सो मेरे पास b है और p है, तीसरी चीज क्या गैप है, तो h गैप है, h गैप कर दिया, h बेचारा खो गया, पुलिस में कंप्लेन लिखाने गए कि भाई मुझे h को ढूंढ दो। तो पुलिस वालों ने कंप्लेन लिखी और एक फॉर्मूला लगाया एच के लिए। एच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चलिए ये फॉर्मूला लगाइए और आपका जो एच वाला दोस्त है वो आपको मिल जाएगा। तो पी, पी क्या है, पी है आपका 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और साथ में के स्क्वायर। बी क्या है, बी, बी आपका 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49, साथ में लिखोगे के स्क्वायर। 64 और 49 दोनों को ऐड कर लो तो 113 आएगा, 64 और 49 दोनों को ऐड कर लो तो 113 हो जाएगा बेटा, 113 आ जाएगा। और के स्क्वायर बाहर में किया जाएगा, के का काम खत्म, 113 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो अंडरूट के अंदर ही रहेगा। 113 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता तो अंडरूट के अंदर ही रहेगा, नहीं होता तो क्या करेगा, जबरदस्ती थोड़ी बाहर निकालोगे। 113 किसी का स्क्वायर नहीं है, ऐसे छोड़ दो, के स्क्वायर की जगह के आ जाएगा, के का काम भी खत्म। तो एच भाई साहब मिल गए, एच भाई साहब मिल गए, रोए धोए तीनों दोस्त, ओहो बी था पी था एच खो गया था, पुलिस वाले ने एच ढूंढ दिया, तीनों दोस्त मिल गए अब हमें। अब आप जो कहोगे उसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है, क्योंकि अब आपके पास तीनों वैल्यू है, यू हैव द वैल्यू ऑफ बी, यू हैव द वैल्यू ऑफ पी एंड यू हैव ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एच। आपके पास तीनों दोस्त हैं तो आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हो। तो अब आपसे कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसका फर्स्ट पार्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। वैसे तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल भी सकते हो, बट इसको थोड़ा छोटा हम कर सकते हैं। कैसे, यहां एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला लग रहा है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो छोटा कर लो। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, आप सबको आता है ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में भी फॉर्मूला लग रहा है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का, तो यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लग रहा था तो लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दोगे। नाउ 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस होता है। साइन थीटा बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, जानते हो ना, साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ध्यान से देखो, जरूरी नहीं आप पी अपॉन एच लिखो, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मैं क्यों लिखूं पी अपॉन एच, अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं बार बार क्यों लिखूं पी अपॉन एच भाई, मैं क्यों बार बार अपना टाइम बर्बाद करूं। एक बात बताओ मुझे, इस चीज का आंसर दो आप भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस की जगह माइनस हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यही होता है ना फॉर्मूला, पी अपॉन एच होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है, साइड में लिख दिया। तो पी क्या है, तो पी जो है वो 8 है, पी क्या है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, अपॉन में एच, एच क्या है तो अंडर रूट 113 है, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 बचेगा, ये बच गया, अपॉन में 1। अब आ जाओ सबसे अपॉन में, क्लियर हो गया बेटा, क्या करा दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा समझना चाहोगे तो एक बार फिर से समझ लो बिल्कुल आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी आपको है समझने की। दोबारा देखो,
वन का स्क्वायर वन होता है, अपॉन में मैंने वन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, और पी पी कितना है, पी आपको गिवन है एट। इस क्वेश्चन में पी आपको एट गिवन था, दिखाओ सर जी दिखा दो, ये लो पी की वैल्यू एट है, पी की वैल्यू एट है, एट का स्क्वायर कर दो तो 64 आ जाएगा, तो एट का स्क्वायर 64 अपॉन में एच आता है, एच कितना था अंडर रूट 113, तो स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा 113 बचेगा, के हमें लिखना नहीं है, 113 अपॉन में वन का स्क्वायर, फिर से अपॉन में वन का स्क्वायर, देखो बेटा अपॉन में देखो वन का स्क्वायर वन रहेगा, अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइड में लिखना है ये सब चीज साइड में लिखना है, टीचर को दिखाना मत कि आपको आता है फॉर्मूला, बिल्कुल साइड में लिखो। फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बी अपॉन एच ये फॉर्मूला होता है, तो बी क्या है, बी ढूंढो, तो बी सेवन था बी सेवन है, तो बी सेवन है, सेवन का स्क्वायर करोगे तो 49 और अपॉन में एच, एच का स्क्वायर करोगे तो 113 अभी अभी आपने फाइंड किया था। वापस आ जाओ, फिर से बीच की लाइन खींच दो, वन और एक 113, एक और 113 का एलसीएम 113 आएगा, 113 की वन से करोगे तो 113 आएगा, माइनस 64 की वन से करोगे तो 64 आएगा, अपॉन में आ जाओ, वन एंड 113 का एलसीएम 113 आएगा, 113 की वन से मल्टीप्लाई करोगे 113 और 49 की वन से मल्टीप्लाई करोगे तो 49, 113 से 113 आपका कैंसिल हो गया बेटा, 113 में से 113 में से 64 माइनस करो आपका 49 बचेगा, और 113 में से 49 माइनस करोगे आपका 64 बचेगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। एक बार दोबारा देख लो, स्टार्टिंग से देख लो, दोबारा पुनः समझ लो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉस थीटा की वैल्यू 7/8, कॉस का कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, बी है पी है क्या नहीं है एच है, तो एच का फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्या था 8 था, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बी था 7, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करा 113, के बाहर आ गया। नाउ मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने देखा यहां फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, वन का स्क्वायर वन होता है माइनस कीजिएगा माइनस, साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, वन का स्क्वायर वन हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, वन और 113, वन और 113 का एलसीएम 113 आएगा, 113 की वन से करोगे तो 113, 64 की वन से करोगे 64, ऐसे नीचे नीचे आ गया बेटा नीचे वाला डिजिट, वन और 113 का एलसीएम 113 आएगा, 113 की वन से करोगे 113, 49 की वन से करोगे 49, बेटा 113 से 113 आपका कैंसिल हो गया, 113 113 में 64 माइनस करो 49 बचेगा, और 113 में से 49 माइनस करोगे 64 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। Now, इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, अभी देखो सेकंड पार्ट हम फाइंड करेंगे, क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट देखो, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू तो मेरे पे पहले ही है, उसका मुझे स्क्वायर करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, वी आर गोइंग टू फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि जो कॉट की वैल्यू है ना आपके पास, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू 7/8 है, इसका मुझे स्क्वायर करना है, दोबारा सुन लो, cot स्क्वायर थीटा का मतलब है cot की जो वैल्यू थी ना 7/8, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो बेटा 7 का स्क्वायर तो होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आ गया आंसर। ओ सर जी इतना आसान था, जी बेटा जी इतना आसान था, हो गया आंसर, cot स्क्वायर थीटा का मतलब है cot का स्क्वायर करना है, cot की वैल्यू 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, हो गया काम, कम ऑन आगे बेटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट क्वेश्चन पे आते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ओ हो, फिर से भाई साहब वही आ गए, फिर से ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, देखो क्या गिवन है, 3 cot a बराबर 4, तो ये 3 आपका अपॉन में आ जाएगा, मानते हो ना 3 आपका अपॉन में आ जाएगा, 3 जो है वो आपका अपॉन में आ जाएगा, 3 आपका अपॉन में आ जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा, थक चुके हम इस टाइप के क्वेश्चन करके शुरू से लेकर एंड तक। बच्चा कहता है सर जी ट्रिग्नोमेट्री, ओ हो सर में दर्द हो गया सर जी, ये कैसे होगा, अरे भाई एक ही कॉन्सेप्ट पूरे एक्सरसाइज में 8.1 समय एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका हर क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है, बार बार इसको अपॉन में लाएंगे और तीसरे दोस्त को खींच के ले आएंगे, तीसरा दोस्त थर्ड, ये थर्ड दोस्त ये बार बार खो जाते हैं ना, मुझे ढूंढना पड़ेगा जरा एक कौन से है, बार बार खो जाते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मुझे पहले गिवन क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, मुझे गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, ये गिवन है,
तो cot a इक्वल टू 4 और ये जो 3 है ये आपके अपॉन में आ जाएगा, मानते हो ना बात, 3 आपके अपॉन में आ गया। फिर cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आपको पता ही है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाला कॉन्सेप्ट। तो cot, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, cot किसका उल्टा होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ये tan का उल्टा होता है, तो tan का रेसिप्रोकल कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, b अपॉन p, शायद पिछले क्वेश्चन में भी यही लगा था, b अपॉन p। अब देखो b कह रहा है मैं 4 हूं, p कह रहा है मैं 3 हूं, क्या गायब हो गया, तीसरा दोस्त इनका, फिर से ये तीसरा दोस्त जब तक नहीं ढूंढोगे आगे सॉल्व नहीं करना, बात खत्म। जिसने ये बात समझ ली मैथ उसको आ गई, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, नमस्ते बाय बाय गुड नाइट, आपको आ गया समझ में, कुछ नहीं करना आपको। अब भाई बी है पी है, क्या नहीं है मेरे पास, मेरे पास सर जी एच नहीं है, एच गैप है मेरे पास, तो एच का फॉर्मूला लगा दो, एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। चलिए पी क्या है, पी ढूंढो, पी क्या है, पी आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, के स्क्वायर, पी आपका 3 है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, क्या कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी में हो जाता बेटा, P 3 है, 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर, B क्या है, B आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर लो बेटा, 9 और 16, 25 के स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है 5 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और K आ गया। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास तीनों वैल्यू है, यू हैव द B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, द वैल्यू ऑफ B इज 4, the value of p is 3 and the value of h is 5, got it, the value of p, b is 4, the value of p is 3 and the value of h is 5, you have all three values, aapke paas teeno value hai, now jab aapke paas teeno value hai to aap jante ho ki trigonometric ratio ka koi bhi question hum solve kar sakte hain, agar mere paas ye teeno dost hain to ye teeno dost maine khoj liye, teeno dost ko maine apne paas rakh liye, now अब देखता हूं कि मुझसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है चेक वेदर, हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों इक्वल है या नहीं है ये पूछ रहा आपसे, दोनों बराबर है या नहीं है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, आपने पढ़ा होगा जरूर, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम चेक करेंगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करता हूं बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 1 की जगह 1 अपॉन में 1 लगा दो, माइनस की जगह माइनस बेटा 10, वैसे 10 किसका उल्टा होता है, cot का उल्टा होता है, डायरेक्ट उल्टा कर दो ना भाई, देखो ना भाई अभी 10, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला ये होता है ना p अपॉन b, रेसिप्रोकल कर दो, तो cot, cot लिखा है ना, cot किसका उल्टा होता है 10 का, इसका रेसिप्रोकल कर दो, या आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, फॉर्मूले से कर लो भाई, 10 का फॉर्मूला p अपॉन b होता है, 10 का फॉर्मूला p अपॉन b होता है, तो p क्या है, P आपके पास 3 है और B आपके पास 4 है, P आपके पास 3 है B आपके पास 4 है, तो अल्टीमेटली cot का उल्टा कर दो 10 बन जाएगा, तो क्या आपको दिया हुआ है 4 अपॉन 3 उल्टा कर दो तो 3 अपॉन 4, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ गया, अपॉन में आ जाओ 1 की जगह 1 अपॉन में 1 लगा दो, प्लस की जगह प्लस, फिर से 10 आ गया, 10 मतलब यही 3 अपॉन 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, बीच की लाइन खींच लो पहले, एलसीएम लो 1 और 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 16 वन जा 16 होता है, माइनस 9 वन जा 9 होता है, फिर एलसीएम लो 1 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, 16 वन जा 16 होता है, प्लस 9 वन जा 9 होता है, 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस करो आपका 7 बचेगा, अपॉन में 16 में 9 प्लस कर दोगे 25 आएगा, तो ये आपका एलएचएस आ गया, एलएचएस क्या आया, LHS आपका आया 7/25, एक बार दोबारा देख लो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, 3 cot a इक्वल टू 4 है, 3 आपका अपॉन में आ गया, cot की वैल्यू 4/3 b अपॉन p, हमने h निकाल लिया, h आपने फाइंड किया तो आपका 5 आ गया, आपसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 माइनस 10, 10 किसका उल्टा होता है, 10 उल्टा होता है cot का, तो cot का उल्टा कर दो ना, 4/3 है ना, रेसिप्रोकल कर दो,
cot की वैल्यू 4 अपॉन 3 है, रेसिप्रोकल कर दो 3 अपॉन 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 16 कैंसिल, 16 आ गया, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, तो 16 में से 9 माइनस करोगे आपका 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा, ऐसे 1 और 16 कैंसिल 16, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, 16 और 9 को ऐड करो 25, तो 7 अपॉन 25 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, देखते हैं राइट हैंड साइड क्या पूछ रहा था। देखो राइट हैंड साइड क्या था आपका, राइट हैंड साइड था आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह आपका राइट हैंड साइड है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, याद नहीं है तो लिख के देख लो, याद नहीं है तो लिख के देख लो, बार बार लिखवा रहा हूं, याद नहीं है तो लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, हमें चाहिए कॉस का फॉर्मूला, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो बी और एच को ढूंढो, बी क्या है आपके पास, बी आपके पास 4 है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और एच क्या है, तो एच आपका 5 आया था, एच आपका 5 आया था और 5 का स्क्वायर 25 होता है, समझ में आ गया, माइनस साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, ये रहा फॉर्मूला साइन का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, दैट इज पी अपॉन एच, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, दैट इज 3, पी की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और h आपको पता है 5 था, 5 का स्क्वायर 25 होगा, नाउ टेक द एलसीएम, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होता है और 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 आएगा, सो देखो LHS की वैल्यू भी यही आई थी, LHS की वैल्यू भी यही आई थी और RHS की वैल्यू भी आपकी यही आ रही है, दोनों सेम आ रही है, तो नीचे लिख देंगे क्या कि LHS इक्वल टू RHS, कि हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव, हमने इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। सर जी एक बार और समझा देते तो मैं बहुत अच्छा मानता सर जी आपको, कोई बात नहीं बेटा अब मान ले, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 3 आ गया अपॉन में, 4 अपॉन 3 बी अपॉन बी, एच फाइंड कर लिया, एच आपका 5 आ गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 कॉट का उल्टा होता है तो 9 अप 3 अपॉन 4 का स्क्वायर करोगे, ऐसे इसका स्क्वायर, बिल्कुल सेम चीज चलते जाओ, 1 और 16, 16 आ गया, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, 1 और 16 कैंसिल 16, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, 16 16 कैंसिल, 9 में से 16 में से 9 गया 7, 16 में 9 प्लस करोगे 25, LHS खत्म, RHS, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी था 4, 4 का स्क्वायर 16, एच था 5, 5 का स्क्वायर 25, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पी था आपका 3, पी क्या था, पी आपका 3 था, 3 का स्क्वायर होता है 9, एच 5 था, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 25 का एलसीएम 25 ही होता है, 60 में से 9 माइनस करोगे 7, तो LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गया, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर आपका खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या गजब क्वेश्चन, बनाने वाले को बहुत बढ़िया इनाम देना चाहिए कि क्या क्वेश्चन बनाया। पढ़िए क्वेश्चन को पहले ध्यान से, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन पढ़िए, एक ट्रायंगल है एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी जो राइट एंगल है बी पर, चलिए जी पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, बहुत आराम से समझना बेटा, एक एक चीज को बहुत लॉजिकल समझना है आपको, एक राइट ट्रायंगल है जो बी पर राइट ट्रायंगल है, बी पर राइट ट्रायंगल है तो ये ए होगा क्योंकि पैटर्न से चलता है ए बी और सी, ऐसा नहीं कि जो मर्जी हम जहां मर्जी रख देंगे, ऐसा नहीं है, अगर बी राइट ट्रायंगल है, आपको बोल रहा है कि बी राइट ट्रायंगल है ना, अगर आपसे बोला जा रहा है कि बी राइट ट्रायंगल है, अच्छा ये सीधा खींचना बेटा, ये सीधा रखना, हो सकता है कि हमारी लाइन आपको कैमरे के अंदर ऐसा दिख रहा हो, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, 90 मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है इस बात का ध्यान रखना, गलती मत करना, तो बी अगर 90 है तो ये ए होगा और ये सी होगा, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, आपको tan a की वैल्यू गिवन है, tan a की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट 3, फिर से वही क्वेश्चन, मैं थक गया हूं क्वेश्चन करा करा के, ये वाला tan a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये tan a की वैल्यू दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कह रहा है इन सब की वैल्यू फाइंड करो, इन सब की वैल्यू फाइंड करो, मैं कहता हूं दुनिया की सारी वैल्यू फाइंड हो सकती है अगर मुझे तीन दोस्त मिल जाए, ये तीन दोस्त मिल जाए
तो दुनिया की सारी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले 10 दिया हुआ है। नाउ आइए 10 पे आते हैं। एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या किसी को याद है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। फिर से देखो, माय गॉड भाई, मैं तो परेशान हो गया मैं भाई कसम से, एक ही चीज करा कर। पी है 1 और बी है अंडर रूट 3। फिर से वो एच खो गया। ये एच को ना ढूंढना पड़ेगा, इसकी ट्राई करनी पड़ेगी सही से। हर बार एच खो जाता है, बताओ। सही है, कुछ ढूंढ लेते, हमारा काम है ढूंढना। तो पी दे रखा है, बी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा? दैट इज द एच। एच नहीं है तो यू हैव टू फाइंड ना, आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई। एच फाइंड करो, समझते क्या है? हमने अच्छी अच्छी चीजें फाइंड कर ली, ये तो एच ही है। तो एच फाइंड करो। एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट। पी क्या है? पी आपका 1 है, पी आपका 1 है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, साथ में के स्क्वायर। चाहे 1 नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, 1 लिखना नहीं चाहिए वैसे, लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। बी क्या है? बी आपका अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ऐड कर लो, 1 और 3 को ऐड करोगे 4 बन जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। के की जगह के, आपके पास एच आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यू है। पी, पी आपके पास 1 है, बी, बी आपके पास अंडर रूट 3 है, एच, एच आपके पास 2 है। आपके पास तीनों वैल्यू है, सब कुछ वैल्यू है, सारी वैल्यू है। चलिए अब यहां पर रिप्लेस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले एच, एच क्या है? 2 है। तो एच तो हमें पता है हमेशा 90 के सामने होता है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, एच जो है वो 2 है। एच कहां होता है? एच कहां होता है? एच होता है 90 के सामने, तो 2 आ गया, ये वाली लाइन 2 आ गई। ठीक है, पी कहां होता है? पी कहां होता है? परपेंडिकुलर कहां होता है? परपेंडिकुलर कहां होता है? सर जी थीटा के सामने, याद करो। परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां होता है? थीटा के सामने, और थीटा कौन है? ए। पी कहां होता है? थीटा के सामने, और थीटा कौन है? ए। तो ए के सामने 1 होगा, ए, ए के सामने, ये ए है, ए के सामने आपका 1 आएगा। जो बच गया वो बेस होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। तो ये जो होगा वो अंडर रूट 3 हो गया। ये आपने डायग्राम बना लिया। क्या डायग्राम समझ में आ गया बेटा? दोबारा समझा दूं एक बार। 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। पी है, बी है, आपको एच फाइंड करना पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 1 और 3 को ऐड कर लो 4 हो गया। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। एच हाइपोटेनस कहां होता है? 90 के सामने, 90 के सामने आ गया। परपेंडिकुलर कहां होता है? थीटा के सामने। थीटा कौन है? ए, ए के सामने, ए के सामने वाला। और जो बच गया वो बेस होता है, अंडर रूट 3। अब आपके पास डायग्राम तैयार है। अब आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हो, जो मर्जी, जो आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा सब फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखता हूं हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला पार्ट, ये चीज पूछ रहा है आपसे। पढ़िए क्या पूछ रहा है आपसे। साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, कोई बात नहीं, सब फाइंड करेंगे, क्या दिक्कत है? घबराना थोड़ी है, आराम से फाइंड होगा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है बेटा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए आराम से फाइंड करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, आराम से इजिली फाइंड होगा। समझिए इस बात को, साइन के लिए वैल्यू यहां आएगी, कॉस के वैल्यू ये आएगी, प्लस कॉस ए की वैल्यू इसमें आ जाएगी और साइन सी की वैल्यू इसमें आएगी। चारों ब्रैकेट बना दिया, साइन ए के लिए, कॉस सी के लिए, कॉस ए के लिए, साइन सी के लिए, चार ब्रैकेट बना दिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। बेटा आराम से करना ये वाला क्वेश्चन, जल्दबाजी मत करना। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यही होता है ना, पी अपॉन एच, और पी होता है ए के सामने, तो ए के सामने वाला पी होगा 1 जो है वो पी है। और एच, एच कहां होता है? एच होता है 90 के सामने, तो 90 के सामने 2 है। तो ये आ गया पहले का आंसर। अब लिखा हुआ है कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। थीटा कौन है? सी है। ध्यान थीटा पे ध्यान दो, क्योंकि ये थीटा ही गड़बड़ करता है सब कुछ। थीटा कौन है? सी है। तो सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूले में बेस चाहिए, बेस होगा 1, बेस आपका 1 होगा, और एच तो फिक्स है 2 होगा। फिर से कॉस आ गया, कॉस आ गया, देखो फिर से पहले फॉर्मूला सोचो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, पहले हमेशा फॉर्मूला सोचा करो, फिर थीटा देखा करो, दो स्टेप होते हैं।
दो स्टेप, हमेशा दो स्टेप फॉलो करो, पहले फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है और फिर थीटा के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच। अब थीटा कौन है, थीटा ए है, थीटा ए है, तो ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, मुझे परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए, मुझे बेस चाहिए, बेस क्या है, तो अंडर रूट थ्री है, तो अंडर रूट थ्री है, और एच तो फिक्स है, एच हमेशा टू ही होगा। साइन क्या लिखा हुआ है, साइन, साइन का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, एच तो टू होगा, हमेशा फिक्स है, एच तो टू होगा, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है ना, एच तो टू होगा, फिक्स है। अब पी कहां मिलेगा, पी मिलेगा थीटा के सामने, थीटा कौन है, सी है, थीटा सी है, और सी के सामने अंडर रूट थ्री है, तो P मिल गया अंडर रूट थ्री। समझ में आ गया, चारों की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने। अब मल्टीप्लाई करूंगा, वन की मल्टीप्लाई वन से करूंगा, वन आता है, टू की मल्टीप्लाई टू से करूंगा, फोर आएगा, प्लस अंडर रूट थ्री के अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री बन जाता है, टू की मल्टीप्लाई टू से करूंगा, फोर बन जाएगा, वन की मल्टीप्लाई वन से वन आएगा, टू टू जो होता है फोर, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट थ्री के अंडर रूट थ्री से थ्री होता है, टू की टू से मल्टीप्लाई करूंगा, फोर आ जाएगा, फोर और फोर का एलसीएम लोगे तो फोर आएगा, फोर और फोर का एलसीएम फोर, वन और थ्री को ऐड कर दो, फोर, फोर से फोर कैंसिल एंड वन इज द आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा पहले पार्ट के, जो आपका स्क्रीन पर आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और कितना आसान था, केवल वैल्यू को रिप्लेस करना होता है, केवल वैल्यू को रिप्लेस करने का कमाल है, बस कुछ नहीं करा मैंने, साइन पी अपॉन एच, एस तो फिक्स है, एक बात इन सब में एच आता है, देखो इन सब में एच आता है, तो टू 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 सब में लिख दो अपॉन में, क्योंकि सब में एच आता है, बस साइन का फॉर्मूला पी, पी चाहिए ऊपर, तो पी डिसाइड होगा थीटा के अकॉर्डिंग, ए, ए के सामने वाला, फिर होता है बेस, यहां बेस चाहिए, तो थीटा कौन है, सी, तो भाई सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया ना, मुझे परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो बेस वन होगा, इसलिए मैंने यहां वन लिखा है। तो ये वैल्यू जो होता है ना, मेन वैल्यू को ढूंढना होता है, वैल्यू को रिप्लेस करना होता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वही आपने काम आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखो, अब देखो सेकेंड पार्ट में और समझ में आ जाएगा, सेकेंड पार्ट देखो इसी तरह सेम सेकेंड पार्ट है, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है, चार ब्रैकेट है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चार ब्रैकेट बना लूंगा पहले, भाई मुझे बहुत सिंपल तरीके से मैथ आती है, मैं नहीं जानता बाकी मास्टर क्या कर रहे हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखा सकता हूं भाई, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से खुद सीखा हूं, चार चार वैल्यू है ना, मैंने चार वैल्यू लगा दी, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आंसर की कहीं भी बात याद आ रही है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, एच सब में आ रहा है, और एच की वैल्यू सर जी ने कहा था फिक्स होती है, अपॉन में टू अपॉन में टू अपॉन में टू अपॉन में टू, सब में एच आ रहा है, सब में टू रख लिया, पहले रिप्लेस कर दिया। नाउ कॉस, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी अपॉन एच होता है, थीटा कौन है, ए, थीटा कौन है, ए, तो ए के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो बेस होगा अंडर रूट थ्री, तो यहां पे लिखूंगा अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, फिर से कॉस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस, थीटा कौन है, सी, मुझे बेस चाहिए, देखो मुझे बेस चाहिए, एच तो मैं लिख चुका हूं, मुझे बेस चाहिए बस, कॉस सी, थीटा कौन है, थीटा है सी, थीटा सी है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए, बेस आपका वन है, तो यहां पे वन लिखना पड़ेगा मुझे, वन, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, मुझे पी चाहिए, एच तो लिख चुका हूं मैं, पी चाहिए, पी कौन होता है, थीटा के सामने वाला, पी कौन होता है, थीटा के सामने वाला, थीटा कौन है, ए, तो ए के सामने वाला चाहिए मुझे, मुझे ए के सामने वाला चाहिए, ए के सामने वन है, तो वन लिखूंगा मैं यहां पर, ए के सामने वाला मुझे वन लिखना है। साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, एस तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, मुझे पी चाहिए, पी कौन होता है, थीटा के सामने, थीटा कौन है, सी, सी के सामने पी होगा, सी के सामने वाला चाहिए मुझे, तो सी के सामने अंडर रूट थ्री है, तो सी के सामने अंडर रूट थ्री लिखेंगे, बिल्कुल आराम से वैल्यू पुट कर लिए, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, अंडर रूट थ्री की वन से मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट थ्री आएगा, टू टू जो होता है फोर, माइनस वन के अंडर रूट थ्री से करूंगा, अंडर रूट थ्री होता है टू टू जा फोर, बिल्कुल सेम कट गया दोनों, थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन फोर से अंडर रूट थ्री अपॉन फोर कट गया, क्या गया, जीरो, जीरो इज द आंसर। तो पहले पार्ट का वन आंसर था, दूसरे पार्ट का आंसर जीरो था। इस क्वेश्चन को वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, इस क्वेश्चन को वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब आपके दो ही क्वेश्चन बचे हैं ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करता हूं। अब आपने नोट कर लिया बेटा, चलिए अगर नोट कर लिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और लगा लो पहले, जल्दी से इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन यही वाला आ रहा है एग्जाम के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर से।
इंट्रेंगल पी क्यू आर। और जब भी मैं ये बोलता हूं ना कि इस ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम का, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज यही आएगा, ये कभी भी ऐसा मत सोचना, कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि एज इट इज ऐसा आएगा, नहीं, इनके जैसा आता है, इनके बेस्ड पे आता है। हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को कर सके जो पेपर में आएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे आज की डेट में एज इट इज आते हैं, समझ पा रहे हो? तो इसलिए हमें चीजों को समझो, ताकि वहां पे जो क्वेश्चन आए उनको अटेंड कर पाओ, क्योंकि एज इट इज अब नहीं आता, वो समय क्या है, वो 20 साल पहले आता था, वो 20 साल 20 ईयर्स पहले ऐसा होता था कि एज इट इज उठ के आ जाता था, अब नहीं आता। अब आपको नॉलेज चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चनों को। सो आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें राइट ट्रायंगल है क्यू, क्यू जो है राइट ट्रायंगल है। तो पहले छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपके पास कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, तो आपने एक राइट ट्रायंगल बना लिया जिसका क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो क्यू आप 90 डिग्री बना लोगे। उसको बिल्कुल सीधा रखना बेटा, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर बाई चांस आपको कैमरे के अंदर ऐसा दिख रहा है, इसको बिल्कुल सीधा रखना 90 डिग्री, ठीक है? ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, बस पता लगना चाहिए ये P होगा, ये Q होगा और ये R होगा। Q आपका 90 डिग्री बन चुका है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। आपको गिवन है कि PR और QR दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है, PR और QR दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर। PR और QR आपको क्वेश्चन में गिवन है कि PR प्लस QR दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है। इनमें से किसी एक को X लेट कर लो, किसी एक को X मान लो। मान लो मैंने कहा कि पी आर मेरा एक्स है, पी आर जो है वो एक्स है, मैंने कहा कि पी आर मेरा एक्स है, तो क्यू आर की जगह क्यू आर रहेगा, 25 की जगह 25 रहेगा, क्यू आर की जगह क्यू आर रहेगा, 25 की जगह 25 रहेगा, और ये जो प्लस का एक्स है ये माइनस का एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? जो पी आर है, पी आर को आपने एक्स सेलेक्ट किया, पी आर ये रहा, पी आर आपकी ये है, इसको आपने एक्स सेलेक्ट किया, ये एक्स सेंटीमीटर का है। PR आपने एक्सलेट किया, PR आपने एक्सलेट किया था, QR, QR क्या आया? 25 माइनस एक्स, QR आपका आया 25 माइनस एक्स, ये QR आ गया। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? और आपको PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू ये है, PQ इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू फाइंड करो, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इन सब की वैल्यू निकालो। तो वैल्यू तो तभी निकाल पाओगे जब आपको तीनों भाई पता हो, ये तीनों दोस्त भूल गए आप? वैल्यू आप कब निकाल सकते हो? जब आपके पास ये तीनों दोस्त आ जाएं, और तीनों दोस्त देखो नहीं है अभी आपके पास, एक दोस्त तो पता है 5 है, एक दोस्त तो पता है 5 है, लेकिन बाकी दो दोस्तों का कुछ आता पता नहीं है अभी। तो पहले मुझे ये तीनों दोस्त चाहिए, जब तक ये तीनों दोस्त नहीं मिलेंगे मैं फाइंड नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं टिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पहचानता हूं कि जब तक तीनों फ्रेंड नहीं आएंगे मैं नहीं फाइंड कर सकता इनको। सो पहले मुझे तीनों दोस्त चाहिए, तो पहले मुझे तीनों को फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। इन ट्रायंगल, पहले ये समझ में आ गया बेटा, आपको पी आर, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर आपने एक्स बोला कि पी आर एक्स है, प्लस की जगह प्लस, क्यू आर की जगह क्यू आर, 25 की जगह 25, क्यू आर की जगह क्यू आर, प्लस का एक्स जो है वो माइनस हो गया, तो ये एक्स अगर आपने लेट किया तो ये 25 माइनस एक्स है और ये 5 आपको गिवन है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिखोगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस थ्योरम का मैंने सिंपल तरीका आपको क्या बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, ये होता है सबसे सिंपल डेफिनेशन इसका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आपको वैल्यू पुट करना है, पहले पी क्या है, पी आपके पास 5 है, देखो पी आपके पास 5 है, पी की वैल्यू 5 है, तो पी की जगह 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। B क्या है, B आपके पास 25 माइनस एक्स है, B आपके पास 25 माइनस एक्स है, तो B की जगह आप लिखोगे 25 माइनस एक्स, इसका आप स्क्वायर कर दोगे। H, H क्या है, H आपके पास X है, H, H क्या है आपके पास, H की वैल्यू X है, तो H की जगह आप X कर दोगे, X का स्क्वायर कर दोगे। समझ में आ गया बेटा? तीनों की वैल्यू पुट कर ली, P की वैल्यू 5 थी, B की वैल्यू 25 माइनस एक्स था, H की वैल्यू X था। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहां फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप सबको आता है,
चैप्टर वन में भी सिखाया था ये वाला फॉर्मुला, चैप्टर टू में भी फॉर्मुला था, चैप्टर थ्री में भी फॉर्मुला था, चैप्टर फोर में भी फॉर्मुला था, और सिक्स क्लास से फॉर्मुला लिखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी गलती करते बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और माइनस टू ए बी, टू ए बी का मतलब 25 का डबल, 25 का डबल कर दो तो 50x आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। दोबारा देखो एक बार क्या गेम खेला, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस की जगह प्लस, यहां फॉर्मा लगेगा, कौन सा फॉर्मा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर, देखो दूसरे वाले का स्क्वायर रखा मैंने, और फिर आता है माइनस टू ए बी, टू ए बी मतलब इसका डबल कर दो तो 25 का डबल और साथ में एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज, 25 का स्क्वायर 25 एज इट इज। नाउ बिल्कुल आराम से समझना एक एक चीज को भाई, एक बात बताओ 625 और 25 ऐड कर दोगे तो 650 हो जाएगा, समझते हो ना, 625 और 25 650 हो जाएगा, माइनस देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, या एक काम करो पहले इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस 50x की जगह माइनस 50 है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दोबारा देखो 25 और 625, 25 और 625 दोनों को ऐड कर लोगे 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, 50x की जगह 50x, ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 650 बच गया, और क्या बचा, माइनस का 50x, तो माइनस की संख्या इधर ले जाओ, अगर इस माइनस को मैं इधर ले जाऊं, माइनस के नंबर को इधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा 50x, समझ रहे हो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 1 कैरी हो गया 15, 5 3 जा 15, 13 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास 13 आ गया बेटा, x की वैल्यू आपके पास 13 आ चुका है। दोबारा एक बार स्टार्टिंग से समझो, आपने पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p क्या था, p आपके पास 5 था, b क्या था 25 माइनस x था, h क्या था x था, 5 का स्क्वायर 25 होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, 25 और 625 650 होता है, x स्क्वायर माइनस 50s माइनस 50 है, प्लस का इधर ले आओगे माइनस x स्क्वायर, प्लस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 650 की जगह 650, माइनस का इधर ले जाओ, माइनस का उठा के इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आमने सामने कैंसिल हो सकता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है, 5 से कैंसिल करोगे तो 13 बचेगा, यहां x बचेगा, तो x की वैल्यू 13 आ गया। अगर आप डायग्राम को दोबारा बनाना चाहो तो दोबारा बना लो, समझने के लिए दोबारा बनाना चाहो तो दोबारा बना लो, यहां पर समझने के लिए दोबारा बना रहा हूं मैं, समझने के लिए दोबारा बना रहा हूं, आप भी बना लेना, ये p है, ये q था और ये r था, यही था ना, ये 5 सेंटीमीटर था, याद करो ये x था, ये x था, ये x था, देख लो एक बार डायग्राम को, देखो ये x था, ये x था, इधर वाला x था, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 13 आई है, तो इसे 13 लिखेंगे हम, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 25 माइनस x था, ये वाला 25 माइनस x था, देखो चेक कर लो एक बार, 25 माइनस x था, तो 25 में से 13 को माइनस कर दो 12 बचेगा, 25 में से 13 माइनस करोगे 12 आ गया, देखो तीनों वैल्यू आपके पास है, आपके पास तीनों दोस्त आ चुके हैं, और मैं जानता हूं जब ये तीनों दोस्त मुझे मिल जाएंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से बेहिचक होकर कर सकता हूं, तीनों दोस्त आ चुके हैं मेरे पास, तीनों दोस्त चाहिए था, तीनों दोस्त मुझे मिल गए, मैंने ढूंढ लिया, अब मैं दुनिया का हर क्वेश्चन निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो मर्जी पूछ लो मुझसे, आप साइन कॉस टेन की बात करो, आप जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी फाइंड कर सकता हूं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है यहां पर, यहां हमें फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी एक मुझे फाइंड करना है, साइन पी एक मुझे फाइंड करना है, कॉस पी और एक मुझे फाइंड करना है टेन पी, देखो तीनों की वैल्यू आराम से निकालूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला साइन का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एच कौन होता है, एच कौन होता है, एच एच होता है 90 के सामने, 90 के सामने 13 है तो 13 आ गया, पी कौन होता है, पी होता है थीटा के सामने, पी होता है थीटा के सामने, परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होता है थीटा के सामने, थीटा पी है, और पी के सामने बिल्कुल सामने देखो, पी के सामने बिल्कुल 12 है तो 12 आ जाएगा। नाउ एच एच कितना था, 13 था, फिक्स है,
बेस कितना होगा, बेस 5 होगा, बेस 5 क्यों होगा, क्योंकि आपने 12 लिया था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा, बेस 5 होगा, p अपॉन b, p कहां होगा, थीटा के सामने, थीटा कौन, थीटा के सामने क्या है, 12 है, तो p जो है आपका 12 है, और बेस क्या है, तो बेस आपके पास 5 है, तो ये तीनों जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, साइन पी कॉस पी टेन पी, यही तीन चीज पूछा था आपने, तीनों वैल्यू निकाल दी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मेरे पे तीनों दोस्त हैं तो मैं हर चीज का आंसर निकाल सकता हूं। यहां पे आप तो साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा था, मैं दुनिया का हर क्वेश्चन निकाल सकता हूं यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्यों, क्योंकि मेरे पे तीनों दोस्त हैं। जिसने ये बात समझ ली, फर्स्ट क्वेश्चन याद है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से लगभग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो, मैं तब से आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि तीन दोस्त होते हैं, ये तीन दोस्त हैं, पी बी और पी, तीनों साथ रहते हैं, जब तक आपके पास ये तीनों वैल्यू ना हो आप सॉल्व मत करना। तो आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यू आ गई, अब इजीली यू कैन फाइंड, आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो, तो हमने फाइंड कर लिया, क्लियर हो गया। चलिए अब 11 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अंतिम क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है बस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई का मतलब आप रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, द वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन ए की वैल्यू जो होती है इज ऑलवेज लेस देन वन, वो हमेशा एक से छोटा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, द वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन ए की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन, हमेशा एक से छोटा होता है, ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा एक से छोटा होगा, ऐसा नहीं है कि वैल्यू टेन की वैल्यू हमेशा एक से छोटा होगा। देखिए 11 क्वेश्चन का पहला पार्ट, 11 क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, मान लिया ट्रायंगल है, एक ध्यान से सुनना, मान लिया एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये मान लो ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, हो सकता है ना, राइट, ये पाइथागोरस पे बिल्कुल सटीक बैठता है, 4 3 5, हमने ये ले लिया। अब मुझे टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है या टेन सी निकालना है, कोई भी एक चीज मान लिया है कि मुझे टेन सी निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, पी क्या होता है, पी होता है थीटा के सामने, थीटा क्या है, थीटा के सामने 4 है और बेस कौन होगा, तो बेस 3 होगा, और 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ और हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ और आएगा, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कह रहा था 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, जरूरी नहीं है, 10 की वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 1 से बड़ी भी आ सकती है, मोर देन 1 भी हो सकता है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स था। रीजन आपने ये दे दिया कि रीजन देखो, जब हम 10 की वैल्यू पी अपॉन बी से निकाला तो 4 अपॉन 3, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1.3 की समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ी होगी ना, तो इसलिए फॉल्स है। पहला आपने कर लिया, सेकंड पार्ट पे आता हूं बेटा, बिल्कुल रीजन के साथ, एक एक चीज के साथ एग्जांपल भी दे सकते हो एग्जाम में। देखो सेक की वैल्यू 12/5 दिया हुआ है, सेक की वैल्यू 12/5 दिया हुआ है फॉर सम वैल्यू एंगल ए, एंगल ए के लिए, तो बता रहे सही होगा या गलत होगा, आपको बताना है सही है गलत है, सही है या गलत है, यह हमें बताना है। सेक की वैल्यू 12/5 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, मुझे सेक ए की वैल्यू दिया हुआ है 12/5, सेक ये लो जी फॉर्मा लगा दिया, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा किसका होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा कर दो एच अपॉन बी, तो ये ट्रू है क्योंकि एच बड़ा होता है हमेशा, तो एच हमेशा बड़ा होता है, देखो एच बड़ा है और बी छोटा है, तो ये ट्रू है, सही है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, एच की वैल्यू 12, एच सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूस बड़ा है और बेस छोटा है, इसलिए ट्रू है, अब लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट पे आ गया मैं, पढ़िए बेटा थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज, कॉस ए किसका एब्रीवेशन है, कॉसेकेंट का, बिल्कुल गलत है, कॉसेकेंट का एब्रीवेशन कॉसेक होता है, याद करो कॉसेकेंट का एब्रीवेशन कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए इज द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब छोटा नाम, कॉस ए छोटा नाम है किसका, कॉसेकेंट का नहीं, कॉसेकेंट का जो छोटा नाम होता है, शॉर्ट नेम होता है, एब्रीवेशन होता है, वो कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता, तो जो थर्ड है वो फॉल्स है, थर्ड जो है वो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि कॉसेकेंट, कॉसेकेंट का जो एब्रीवेशन होता है बेटा वो कॉसेक होता है, कॉसेकेंट का छोटा नाम कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता, कॉसेकेंट का छोटा नाम कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। आपने रीजन भी दे दिया, ये आपका रीजन है, मैंने हर चीज का रीजन दिया, अब तक देखो हर पार्ट का रीजन दिया है,
पहला पार्ट फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, रीजन दिया। दूसरा पार्ट ट्रू है, क्यों ट्रू है, रीजन दिया। तीसरा पार्ट फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, रीजन दिया। तो मैं हर चीज का रीजन भी आपको दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का? कॉट ए क्या प्रोडक्ट है कॉट और ए का? तो नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? कॉट और ए, कॉट और ए क्या इनका प्रोडक्ट नहीं होता? ए जो है यहां पर थीटा है, ए जो है बेटा वो थीटा है। देखिए कॉट की मल्टीप्लाई 30 से अगर हम करेंगे, कॉट की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, यही तो कह रहा था कि कॉट की मल्टीप्लाई ए से करो, कॉट की मल्टीप्लाई ए से करो। इधर देखो, अगर हम कॉट की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए कॉट लिखेंगे। जबकि कॉट की उसने क्या क्वेश्चन में आपसे कहा कि कॉट ए प्रोडक्ट है किसका? कॉट और ए का। नहीं, ऐसा नहीं है, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं होता। तो आप ऐसे लिख सकते हो आंसर, इसे छोड़ो, आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉट ए जो होता है ना, कॉट ए वो इक्वल नहीं होता किसके? कॉट ए, कॉट इंटू ए के, कॉट इंटू ए के इक्वल नहीं होता, कॉट इंटू ए के इक्वल नहीं होता। कॉट ए जो है वो कॉट इंटू ए के इक्वल नहीं होता। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो क्या पॉसिबल है साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 आ सकती है? तो आंसर लिखोगे फॉल्स। अब आप कहोगे सर जी फॉल्स क्यों है, मैं आपको रीजन देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं आ सकता, क्यों? देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा पी अपॉन एच, साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच। एच देखो छोटा हो गया, एच छोटा नहीं हो सकता, एच कभी भी छोटा नहीं हो सकता पी से, पी 4 है और एच 3 है, तो एच कभी हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एच छोटा है और पी बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सो आपको अगर ट्रू फॉल्स पूछे रीजन के साथ, आप आंसर दे सकते हो, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है आपने रीजन दे दिया, फिर ट्रू है आपने रीजन दे दिया, फॉल्स है आपने उसका भी रीजन दिया, फिर फॉल्स है आपने उसका भी रीजन दिया, फिर फॉल्स है आपने उसका भी रीजन दे दिया। तो इस प्रकार से हमने बेटा पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का था, इसमें पूरे में आपने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। तो ये सभी जो है वो डिपेंड करता है एक ही कॉन्सेप्ट पर कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये तीनों चीज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो मैं कहता हूं किसी भी क्वेश्चन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर होगा, चाहे वो बुक का है या बुक के बाहर का है, मेरी कोशिश क्या थी कि अगर बुक के बाहर का भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कर पाओ। आपको यह नहीं पता लगना चाहिए कि बुक का है या बुक के बाहर का है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा, आपको यह समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का कमाल होता है। अगर ये तीनों चीज हमारे पास है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चाहे वो बुक का हो या बुक के बाहर का हो। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, और अपने से पहले अपने माँ बाप के लिए पढ़ना, क्योंकि उनके बहुत सपने हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। नमस्ते बच्चों, बाय बाय।